अति प्रसन्न श्री लाडली देवी पिन को अति प्रसन्न श्री लाडली देवी पिन को। आइए आज की कथा में हम सभी प्रवेश करें, उससे पूर्व श्री राधा रानी के चरणों में भावांजलि समर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए किशोरी हमारे ऊपर कृपा करें। आपकी कृपा की हमें बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आपकी कृपा के बिना बिहारी जी को पाना संभव नहीं है। इसलिए हे किशोरी जी, आप हमारे ऊपर कृपा करें। आपसे हमारी ऐसी विनती है, हो एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, दासी की झोली हे किशोरी जी श्री राधा सदा ही रटू, मैं तो राधा 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 श्री राधा सदा ही रटू, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना ही हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना ही हटूं, मेरे शीश कमल पर धर दो स्वामिनी श्री राधे, मेरे शीश कमल पर धर दो स्वामिनी श्री राधे, मेरे शीश
कमल पग धर दो स्वामिनी श्री राधे शीत कमल पग धर दो स्वामिनी श्री राधे निज दर्शन कावर दो स्वामिनी श्री राधे निज दर्शन कावर दो स्वामिनी श्री राधे सब हर लो दिली श्री राधे दासी की झोली भर लो स्वामिनी श्री राधे एक गोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे स्वामिनी श्री राधे राधे श्री राधे दासी की झोली भर लो श्री राधे दासी की झोली भागवत महापुरा
मुझे भक्ति और शक्ति दिला दो राधे, मुझे भक्ति और शक्ति दिला दो, मुझे भक्ति और शक्ति दिला दो राधे, मुझे भक्ति और शक्ति दिला दो राधे, मुझे वृंदावन दर्श करा दो राधे, मुझे वृंदावन दर्श करा दो राधे, बस इतनी कृपा अब कर दो स्वामिनी श्री राधे दासी की झोली, कई राधा रानी से हे महारानी राधे, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम 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 अध्यक्ष परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय नवनंद योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उनकी वांगमयी प्रतिमूर्ति वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण शब्दमयी प्रतिमूर्ति ये रसकों की संगीता आज इस पावन अनुष्ठान का तृतीय दिवस है और इस पावन अनुष्ठान में गत दो दिन से बैठ करके इस कथा का आनंद ले रहे सभी भक्तजन श्रोताजन इन सभी को इस व्यासपीठ से जय श्री राधे जय श्री आज कथा गंगा का तृतीय दिवस में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि जीवन में तीन चीजें होती हैं, अर्पण तर्पण और समर्पण, और उन तीनों में अगर एक में भी हम सहयोग कर देते हैं, अर्पण से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, तर्पण से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, और जिसने बलि की तरह समर्पण कर दिया उसे तो भगवान अपना लोक दे देते हैं। इस कथा गंगा में हम सभी इन तीनों सूत्रों को लेकर के अवगाहन कर रहे हैं। ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा हमारे शर्मा जी पर, इनके सभी संगी साथियों पर, जो भगवान ने सद्बुद्धि दे करके ऐसा सुंदर आयोजन इस शिव शक्ति विहार कॉलोनी में रखा गया। हम सभी इस कथा गंगा का रसास्वादन बड़े प्रेम और भाव से कर रहे हैं। नेमी सारण की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों की कथा सुना रहे हैं, बड़े प्रेम से उनको कथा गंगा का पान करा रहे हैं। शुक्रताल में
भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और हम सभी यहां पर इस कथा गंगा का पान कर रहे हैं। कल आपने भगवान सुखदेव के जन्म की कथा श्रोता परीक्षित की कथा बड़े प्रेम भाव से सुनी। परीक्षित को श्राप लगा कि तुझे 7 दिन बाद एक सर्प दंश करेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये केवल श्राप परीक्षित को ही नहीं लगा है, ये श्राप हम सबको लगा है। मैंने कल कहा था कि 8वां दिन हमारे जीवन में नहीं आता। आपसे निवेदन करूं कि परीक्षित तो हमसे कहीं ज्यादा बड़े भाग्यशाली रहे होंगे। उनको इतना तो पता चल गया कि आज मुझे किसी ऋषि पुत्र ने श्राप दिया है और 7 दिन तक काल भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। 7 दिन तक, 7 दिन तक काल मुझे छू नहीं सकता है, लेकिन हम बैठे हुए सभी परीक्षित 7 आगे की 7 सेकंड के बारे में भी नहीं जानते कि क्या होने वाला है। परीक्षित इतने बड़ भागी के जिनकी स्वयं भगवान ने गर्भ में आकर के रक्षा की। और देखो सबसे बड़ी विशेषता, राज त्याग दिया, पत्नी का त्याग कर दिया, बेटे को गद्दी दे दी कि बेटा मैं तो सब कुछ छोड़ करके जा रहा हूं, अब तो मुझे अपने जीवन का उद्धार करना है। श्राप लगा, पता चल गया 7 दिन बाद मेरी मृत्यु निश्चित है और आ गए गंगा जी के तट पर। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गंगा जी कब जाते हैं? जब बहुत सारे पाप कर लेते हैं, बोले चलो अब गंगा स्नान कराएं, पितरों को जल दे आए, स्वार्थ के लिए ही गंगा स्नान करें, परमार्थ के लिए नहीं, कि हमारा हित। और हम सनातनी आजकल ऐसे हो गए हैं कि केवल हमें लोभ दिखता है तो हम भगवान को पूजते हैं। भगवान को 2 विशेष बातों से पूजते हैं, या तो लोभ के कारण या भय के कारण, या तो लोभ, हमारा ये लोभ सिद्ध हो जाए। लोग कहते हैं महाराज जी बस मेरा एक काम बन जाए, मैं कथा जरूर करवाऊंगा या कोई अनुष्ठान जरूर करवाऊंगा। काम बन जाए मतलब कि भगवान तेरी कथा के भूखे हैं कि जब तेरा काम बन जाएगा तब वो तू भगवान की कथा कराएगा। भगवान से आदान प्रदान, दुनिया वालों से हम लोग आदान प्रदान करें तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसके यहाँ से निमंत्रण आया है या उसके यहाँ से मिठाई का डिब्बा आया है तो हमें भी उसके यहाँ पर भेजना चाहिए। लेकिन भगवान से आदान प्रदान, किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि भैया हम उल्टा कर रहे हैं, हम भगवान से तो व्यवहार बना रहे हैं कि हमारा काम कर दोगे तो हम आपके लिए ये कर देंगे और संसार पर विश्वास कर रहे हैं, जबकि जो विश्वास करने योग्य नहीं है। विश्वास करने योग्य तो केवल एक परमात्मा है, हमारे ठाकुर जी हैं। कल आपने कथा सुनी, द्रौपदी को भरे समाज में दुशासन नग्नावस्था में करके दुर्योधन की जंगा पर बैठाना चाहता था, लेकिन जब तक उसने अपने लोगों पर विश्वास किया तब तक किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। और जैसे ही कहा कि हे गोविंद अब तो हम जीवन हार रहे हैं, अब तू हमारी आकर के रक्षा कर, तब ठाकुर जी ने, द्रौपदी ने पुकारने में देरी की थी, भगवान ने आने में देरी नहीं की। हम लोग भगवान को कब पुकारते हैं, जब दिखता है कि अब कुछ भी हमें मिलने वाला नहीं है, अब हमारा कोई भी कार्य बनने वाला नहीं, अब तो प्रभु या तो हम इस गड्ढे में जा रहे हैं, इस गड्ढे में जाने से हमें बचा लो,
तब वो भगवान को पुकारता है। और एक बात और है, आजकल हम लोग कर्म कांड तो कर रहे हैं और कर्म कांड करा भी रहे हैं, जो वास्तविकता में विधि है उसके ऊपर हम नहीं चल रहे हैं। बस थोड़ा सा भगवान को प्रणाम हो जाए। और लोग एक बात विशेष कहते हैं, महाराज जी मन में श्रद्धा है, मन में भगवान बैठे हैं। भैया मान रहे हैं कि तुम्हारे मन में भगवान बैठे हैं, लेकिन मन में बैठे हुए भगवान से काम नहीं चलेगा, उसको क्रियात्मक रूप से भी तो लेना पड़ेगा। अब भोजन की थाली आपके सामने बन करके आ जाए और आप बोले बस हमने मन से पा लिया, थाली ले जाओ, क्या आप अपने सामने से थाली को हटवा दोगे कि हम भोजन नहीं पाएंगे? भगवान की पूजा करने के लिए तुम्हारा मन है, लेकिन भोजन पाने के लिए तुम्हारी जिह्वा और पेट है। जैसे उदर की पूर्ति करने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही आत्मा को पुष्ट करने के लिए भजन की आवश्यकता पड़ती है। आत्मा पुष्ट किससे होगी? बोले भजन से। बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, बिन भजन सत्संग बिन मिले न मन को शांति। हम बाहर से काम करके आए, आकर के घर में कहा माँ मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन कभी आकर के घर में ये नहीं कहा कि नहीं मैं बाद में भोजन करूंगा, पहले मैं अपने ठाकुर जी को प्रणाम करने जाऊंगा। मैंने आज भगवान के सामने सुबह से सर नहीं झुकाया, केवल सीधे आए हमें भूख लग रही है भोजन बनाओ। और जिस दिन मन में भाव ये आ जाएगा कि हमारे घर में जो मूर्ति के रूप में बैठा है वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान है, उस दिन फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आजकल परिवार क्यों टूट रहे हैं? इसीलिए टूट रहे हैं क्योंकि जो मंदिर में भगवान बैठा है ना, उसको हमने मूर्ति समझ लिया। भाई भाई में नहीं बन रही है, बाप बेटे में नहीं बन रही है। जिधर देखो कलह ही कलह, कलयुग ने इतना अपने पैर फैला दिए हैं हमारे बीच में कि हर संबंध में आज खटास पैदा हो गई है, विच्छेदता आ गई है। प्रेम, परिवार और परमात्मा, मंदिर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो मन के अंदर है वही मंदिर में है, जो आपके मन के अंदर बैठा है वही मंदिर में बैठा है। और एक विशेष बात और आप समझिए, किसी ने कहा कि जो उज्जैन में बैठे हुए शंकर जी हैं वो मनोकामना पूरी करने वाले हैं। लोगों में एक ये और चर्चा का विषय है, बोले विश्वनाथ के दर्शन करने चले जाओ वो सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। ऐसा नहीं है, अगर विश्वनाथ सारी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या जो आपके घर के बाजू में जो मंदिर बना है वो विश्वनाथ भगवान नहीं है? जो भोलेनाथ का मंदिर आपकी कॉलोनी में है, आपके घर के पास है या इधर उधर है, क्या उसमें आप विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर सकते? बोले नहीं, जो काम हमारे महाकाल बाबा कर सकते हैं वो इनके बस की काम। अगर वही महाकाल जैसी श्रद्धा मोहल्ले में बने हुए मंदिर के प्रति हो जाएगी तो महाकाल के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रोज अपने घर के बाजू में ही आप महाकाल के दर्शन करोगे, जाना अच्छी बात है, जाइए तीर्थ करिए, धाम में जाइए, भगवान की कथा सुनिए, नाम गुण धाम तीनों का सेवन करें, भगवान के नाम जिह्वा से श्वास श्वास पर भजें। श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। हर श्वास पर भगवान का भजन करें। और जब हम भगवान के धाम में जाएं तो श्रद्धा की आंखों से, भक्ति की दृष्टि से भगवान के धाम में जाएं। आजकल तो धाम भी महाराज परिवर्तन होता जा रहा है, जिधर देखो सभी धामों को सभी तीर्थों को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है।
वहाँ स्मार्ट सिटी बनाने से काम नहीं चलेगा। हमें तो अपने मन को स्मार्ट बनाना पड़ेगा कि हम उस मन के द्वारा जो भगवान ने लीलाएं की हैं, भगवान गलियों में घूमे हैं, भगवान ने बड़े बड़े संतों पर ऐसे तीर्थों में धामों में कृपा की है, शायद वो एक दृष्टि, वो एक दृश्य हमें दिख जाए। अब वृंदावन जाओ, अगर आप भौतिकवादी दृष्टि से देखोगे तो बस जैसे घर यहाँ बने वैसे ही घर वहां पे बने हुए, जैसे ठाकुर जी की सेवा आप यहाँ कर रहे हो वैसे ही वहां पे हो रही है। लेकिन अगर भक्ति की दृष्टि से जाओगे तो हर गली में गोविंद नृत्य करता हुआ दिखाई दे, वो हर गली में आपको राधा रानी के संग घूमता हुआ दृष्टि पात पड़ेगा। एक संत की बड़ी सच्ची घटना है, भक्तमाल में बड़ा वर्णन है। एक संत परिक्रमा दिया करते थे गोवर्धन की, जीवन पर्यंत तक नियम बना लिया कि जब तक इस तन में सांस रहेंगी तब तक मैं गोवर्धन की परिक्रमा दूंगा। रोज परिक्रमा, सुबह सुबह रोज परिक्रमा देने के लिए जाएं, और जैसे ही परिक्रमा देने के लिए जाएं, वृद्धावस्था ने उन्हें घेर लिया, आंखों से दिखे नहीं, थोड़ा चलते थक जाते बैठ जाते, फिर चलते फिर थक जाते फिर बैठ जाते, धीरे धीरे करके प्रत्येक दिन गोवर्धन नाथ की परिक्रमा को पूरा करते। अंतिम समय परिक्रमा दे रहे थे, एक दिन चल रहे थे तो कटीली झाड़ियों में बाबा की जटा उलझ गई। गोवर्धन अब तो रोड बन गए हैं, आज से कई दशक पहले रोड नहीं थे, झाड़ियों में होकर के गोवर्धन नाथ की परिक्रमा देनी होती थी। भक्तमाल की घटना है, नाभादास जी के द्वारा लिखी हुई। तो बाबा की जो जटाएं थी वो उलझ गई, और जैसे किसी झाड़ी में उलझी, बाबा वहीं की वहीं खड़े हो गए, न पीछे हटे न आगे गए, वहीं की वहीं बाबा रुक गए। सुबह से दोपहर हो गई और अन्य जो परिक्रमार्थी थे वो परिक्रमा दे रहे थे, किसी ने रुक करके पूछा बाबा क्या हुआ, तो बाबा ने इशारा किया कि भैया मेरी जटा उलझ गई है। तो उसने कहा कि बाबा तुम्हारी जटा उलझ गई है तो मैं सुलझा दूं। तो बाबा एक ही प्रश्न करते, भैया ये जटा तूने मेरी उलझाई है? बोले ना बाबा मैंने तो नहीं उलझाई। तो भैया जब तूने नहीं उलझाई है तो तू सुलझाएगा भी नहीं? फिर बाबा ऐसे खड़े रहोगे? बोले नहीं भैया, ये जटा जिसने उलझाई है वही आकर के अगर सुलझाएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, आज ये मेरा प्रण है। सुबह से शाम तक हजारों परिक्रमार्थियों ने बाबा से पूछा, लेकिन बाबा ने सबसे मना कर दिया, बाबा खड़े रहे, वृद्धावस्था का शरीर, लेकिन मन में सच्ची भावना हो। रात्रि का प्रथम प्रहर आया, जो परिक्रमार्थी थे सबसे मना कर दिया, रात्रि भर बाबा खड़े रहे। प्रातःकालीन बेला में किशोरी जी ने ठाकुर जी से कहा, देखो थोड़ी सी दया करो, बाबा ने पूरा जीवन आपकी सेवा में दे दिया और देखो बिल्कुल तरस आपको नहीं आ रहा है। तो कन्हैया ने कहा, किशोरी जी क्या करूं जिससे बाबा का कल्याण हो? बोले पहले तो जाकर के इसकी जटा उलझाओ, जटाओं को सुलझाओ। तो कन्हैया ने एक छोटे से बालक का रूप धारण किया और सुंदर फेंट में बांसुरी लगा करके मोर पंख धारण करके, और जैसे ही बाबा के पास पहुंचे, बाबा तोतली भाषा में, जैसे ही ब्रज भाषा में बाबा से बात करने लगे, तो बाबा बाबा, और जैसे ही छोटे से बच्चे की आवाज सुनी बाबा ने, तो बाबा ने कहा, हाँ कौन बेटा? बोले बाबा मेरा नाम कन्हैया है। अच्छा भैया, फिर बाबा मैं देख रहा हूं कि तुम जब रात को, मैं यहां से निकल रहा था तो तुम तब भी यहां पर खड़े थे, और मैं जब अब आया हूं तो तुम अब भी यहां पर खड़े हो, क्या बात है बाबा? तो बाबा ने कहा, भैया मेरी जटा उलझी हुई है। अरे बाबा मैं सुलझा दूं इन्हें? तो बाबा ने कहा, कन्हैया ने जैसे बाबा से निवेदन किया, बाबा ने कहा, नहीं नहीं भैया, अगर तूने ये जटा उलझाई है तो तू ही सुलझाएगा। कन्हैया बोले, लो
बाबा मैंने तो नहीं उलझाई। लेकिन कन्हैया ने सोचा कि अब बाबा मेरे सिवा और कौन आएगा यहां पर। सुबह से शाम हो गई, रात्रि पूरी व्यतीत हो गई, दूसरा दिन आ गया और मेरे सिवा कौन आएगा। तो अचानक बोले, हाँ बाबा मेरे से ही भूल में आपकी जटा उलझ गई, मैं नहीं उलझ आया। अच्छा, तो बाबा ने पूछा, भैया तू कौन है जो तैने आए कि मेरी जटा उलझाई, तू कौन है। कन्हैया मुस्कुरा गए। कन्हैया से कोई पूछता है ना कि तू कौन है, कन्हैया मुस्कुरा जाते हैं। और जैसे ही मुस्कुराए, माया भगवान की मुस्कुराहट में ही माया छुपी हुई है। कन्हैया जैसे ही मुस्कुराए बोले, बाबा तुम जिसका भजन करते हो ना, मैं वही कन्हैया हूं। अब जैसे कन्हैया ने कहा कि तुम जिसका भजन करते हो, मैं वही कन्हैया हूं, बाबा बोले, लो हम कैसे मान लें कि तुम वही कन्हैया हो। कन्हैया ने कहा कि देखो बाबा, मेरी फेंट में बांसुरी लगी है, मेरे माथे पे मोर पंख मैंने धारण कर रखा है, मैं वही कन्हैया हूं जिसका आप भजन करते हो। तो बाबा ने हंस करके कहा कि भैया यहाँ पे देख, रासधारी के बालक रोज कन्हैया बने बने घूमे। रासधारी जो होते हैं छोटे छोटे बालकों को सजा सजा करके घुमाते हैं। कन्हैया ने समझाने का प्रयास किया कि बाबा मैं ही कन्हैया हूं। तब बाबा ने कहा कि भैया मैं कैसे मान लूं। तब बाबा ने कहा, तू कन्हैया है। तो कन्हैया ने कहा कि हाँ मैं कन्हैया हूं। कन्हैया ने कहा कैसे मानोगे। तो बाबा ने कहा, अगर किशोरी जी आकर के कह देंगी कि ये कन्हैया है, तब मैं मानूंगा कि कन्हैया है। जा पहले किशोरी जी को बुला करके लेके आ। और जैसे ही ठाकुर जी किशोरी जी के पास गए, ठाकुर जी ने किशोरी जी से निवेदन किया कि किशोरी जी आपको चल करके बताना पड़ेगा कि मैं कन्हैया हूं, और जब तक आप नहीं बताओगी तब तक बाबा की जटा सुलझने वाली नहीं। राधा रानी आई। राधा रानी ने आकर के बड़े भाव से प्रेम से कहा, बाबा ये जो आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं ना, यही कन्हैया है। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। हे किशोरी, मुझे पता है कि यही कन्हैया है। किशोर जी ने कहा कि फिर आपको पता है तो ये कन्हैया है, फिर मुझे क्यों बुलवाया। बाबा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, हे श्री राधे, अगर मैं आपको नहीं बुलवाता, किसी किसी को तो केवल कन्हैया के दर्शन होते हैं, किसी किसी को केवल राधा रानी के दर्शन होते हैं, और मेरा अंतिम समय चल रहा है। मैं वो एक ऐसा पागल भक्त हूं कि मैंने आज अपनी इन बूढ़ी आंखों से आप दोनों के एक साथ दर्शन कर लिए, एक साथ दर्शन कर लिए। तो मेरा कहने का भाव है कि भौतिकवादी दृष्टि लेकर के वृंदावन की गली में जाएंगे तो वहां केवल ईंट पत्थर के मकान ही दिखाई देंगे, कन्हैया के दर्शन होने वाले नहीं है। अगर भक्ति का चश्मा लगा करके जाएंगे तो हर गली में कन्हैया आपको नृत्य करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये वृंदावन की और उस भगवान की बड़ी सच्ची कृपा है। मैं निवेदन कर रहा था कि तीन हैं, तीन बातें हैं, प्रेम, परिवार और परमात्मा। अगर हमारे परिवार में प्रेम होगा, एकता होगी, तो वो फिर परिवार परिवार नहीं, मंदिर बन जाएगा। कहते हैं ना कि खुली झाड़ू अच्छी नहीं रहती, बंदी झाड़ू से कितना भी सकेर लो, अगर खुल जाएगी तो एक एक सीख से पूरा घर नहीं साफ किया जा सकता। जहां सुमत तहां संपत नाना, जहां कुमत तहां विपत निधाना। जहां एकता होगी सभी में, एक दूसरे के पूरक होंगे, वहां फिर किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान सोचते हैं कि यहाँ यहाँ सुमति है, सबका मन एक है। तो भगवान सोचते हैं कि जब सबका मन एक है, इनका हृदय में सच्चा भाव है, तो भगवान सोचते हैं कि क्यों ना मैं जाकर के डेरा स्वयं डाल लूं। सत्यो हृदय वृद्ध तेत्र कृतवी। भगवान खुद सोचते हैं कि ये बस मुझे एक बार याद कर ले। और जिसके हृदय में काम भरा है, क्रोध भरा है, मत्सर भरा है, ईर्ष्या भरी है, द्वेष भरा है, और पहले से ही इतना कूड़ा करकट हृदय में भरा है, तो भगवान बैठने वाले। अगर आपके लिए यहाँ पर वैसे ही बोल दिया जाता कि बैठो जहां जगह मिल रही है, तो क्या आप बैठते हैं?
नहीं बैठते। अब सीधे कहते शर्मा जी से, देखो आपने तो व्यवस्था ही नहीं की है, अच्छी बैठने की व्यवस्था नहीं है, गद्दे नहीं डलवाए, चलो कुर्सी नहीं बिछवाई। जब आप एक साधारण जीव होकर के साफ सुथरी जगह देखते हैं बैठने के लिए, और वो तो जगत नियंता है, जगतपति है, तो क्या वो सुंदर हृदय नहीं देखेगा? और वो सुंदर हृदय कैसे बनेगा? वो केवल एक ही सूत्र है, कलौ केशव कीर्तनाथ। दो सूत्र हमारे गुरुदेव बताया करते हैं कि भैया जिस घर में सभी सदस्य एक साथ होकर के बैठ करके भोजन करेंगे वहां कभी झगड़ा नहीं हो सकता। जिस घर में सभी सदस्य एक साथ भोजन करेंगे और जिस घर में 5 मिनट ठाकुर जी के नाम का कीर्तन होगा वहां कभी झगड़ा नहीं हो सकता, वहां किसी के प्रति द्वेष नहीं बन सकता है। और इन दोनों सूत्रों को अगर आप अपने जीवन में उतार लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। वो सुक्रताल की पावन भूमि, सुखदेव भगवान बैठे हैं ऊंचे सिंहासन पर, परीक्षित ने पूजन किया, प्रभु मेरी मृत्यु निकट है और मुझे क्या करना चाहिए? भगवान सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए, राजन बरिया ने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मवित सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादि सुय पर बरी या ने सते प्रश्न। तेरा ये प्रश्न है ना बड़ा सुंदर है, प्रश्न भी ऐसे ही लेकर के जाना चाहिए किसी सत महापुरुष के पास में जो उससे प्रसन्न हो जाए। ऐसे प्रश्न मत लेकर के जाओ जिससे सामने वाला दुखी हो जाए। श्रोतव्यादीन राजेंद्र नृणाम संति सहस्रस अपश्यतामात्म तत्त्वं ग्रहेषु ग्रहमेधिना। तूने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है राजन। संसार में लोग अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ में गवा देते हैं। निद्राया ह्रियते नक्तम व्यवया येन च वावय दिवाचार्ते हया राजन कुटुंबेन भरणेन वा। कलयुग में व्यक्ति को 100 वर्ष की अवस्था मिली है, उम्र मिली है, लेकिन आजकल तो 70-80 पे ही, 80 पे भी एक आदि पहुंच पावे, नहीं तो 60-70 में टुलटुलाए के लंबो पड़ ले। बोलो राधे। 70-80 साल की अवस्था तक कोई कोई पहुंच पावे, और उस 70-80 साल में चलो 100 वर्ष मान लीजिए कि हमारी उम्र 100 वर्ष की है, उस 100 वर्ष में से हम लोगों ने 50 वर्ष तो सोने में निकाल दिए। बोलो राधे। कितने वर्ष निकाल दिए सोने में? हाँ जी, पड़ोसी की आवाज पड़ोसी तक पहुंच ना जाए। कथा तो बाद में सुनेंगे, पहले दृष्टांत सुना दूं, तुम राधे राधे बोलोगे नहीं। भैया एक की शादी नहीं हो रही थी, अब शादी नहीं हो रही थी, बड़ा परेशान शंकर जी पे रोज लोटा, हे भोलेनाथ मेरा विवाह करा दो, देखो कारे पीरिन के ब्याह है गए, लेकिन मैं देखो चमकीलो चांदी जैसो मेरा चेहरा, भोलेनाथ मेरा कोई दांत भी ना देखे, सुबह से शाम तक रोज लोटा चढ़ावे। लेकिन अब पार्वती जी ने सोचा चलो इसका विवाह करा दो, जैसे तैसे ले दे के एक विवाह हुआ। अब हड़बड़ाहट में विवाह तो हो गया, हड़बड़ाहट में विवाह तो हो गया, लेकिन लड़की से पहले बात नहीं कर पाया। और जैसे ही विवाह होकर के लड़की घर पे गई और जैसे ही तोतली भाषा में बोला स्वामी जी तैते हो, मतलब स्वामी जी कैसे हो, उसने माथे पे हाथ मारा, हे भोलेनाथ ऐसे ऐसा कोई दिन नहीं गया कि मैंने तुम्हारे ऊपर जल का लोटा नहीं डाला और तुमने मुझे मेरी भक्ति का ये सलाह दिया। अब तो बहू से बात ना करे महाराज, 6 महीने बीत गए, जब बहू से बात ना करे तो बहू बड़ी परेशान। बहू बोली अदि तुम दादा परेशान हो तो दूतरो ब्याह तल्ले हो। क्या कहा? अदि तुम दादा परेशान हो तो दूतरो ब्याह तल्ले। अब वो भी खलीफा फिर दोबारा से जल डालना शुरू कर दिया उसने।
और जैसे ही फिर दोबारा से स्नान कराना शुरू कर दिया भोलेनाथ को, भोले बाबा ने बड़ी कृपा की, दूसरा विवाह हो गया, दूसरा विवाह कर लाया। पहले एक नहीं हो रहा था, अब दो दो। और जैसे ही दूसरा विवाह करके लाया, बारिश का समय, बहू को बैठा करके निकल रहा था गली से, जैसे ये गली है, पानी भर गया था, स्कूटर रपट गया पत्नी के ऊपर, स्कूटर स्कूटर के ऊपर स्वयं, सोई उसकी बत्तीसों के बीच में आकर के जीव कट गई। अब जैसी कटी तो वो भी भोलेनाथ की कृपा से तोतली हो गई। अब तो टेंशन में रहने लगा, ऑफिस को जाए, शाम को लेट सेट आए, खाना बना मिल जाए तो खा ले, फिर सो जाए, फिर सो जाए। बोले पहले तो एक के लिए कमाना पड़ता था, अब दो दो है। साल बीती, दो साल बीती, दूसरी बहू ने भी कह दिया, जी तुम दादा परेशान हो तो तीतरो ब्याह ले, कोई परेशानी ना। वो भी महाराज बड़ा खलीफा, पार्वती और राधा रानी की कृपा से तीसरा विवाह करके लाया। समय बीता, समय बीतने पर उसकी पत्नी बाथरूम में नहा रही थी तो ऑफिस से फोन किया, दूसरी वाली ने फोन उठाया, बोला दीदी फोन आयो, उठा लो। और जैसे ही देखा हड़बड़ाहट में का फोन आया है, सावन पे पाम रखा महाराज, बत्तीसों के बीच में जी भाई, और वो भी तोतली। अब जैसे तीनों तोतली हुई, बड़ा परेशान, सुबह से शाम तक कमाने कमाने, बोले पहले तो एक ही थी, अब तो तीन तीन को देखता हूं तो और खून खोलता है। अच्छा, शर्म के मारे किसी को बताए नहीं कि मेरी तीनों पत्नी तोतली है, न किसी दोस्त को बुलाए, न किसी सगे संबंधी को बुलाए। अब तो टेंशन में बेचारा सूख गया। और जैसे सूखा, तीसरी ने कहा चौथा विवाह कर लो। बोले देवी तुम्हें तीनों देवियां बहुत हैं, अब बस की नहीं है। एक दोस्त था उसका, उसने कहा वाह तूने तीन तीन विवाह कर लिए और एक विवाह की भी पार्टी नहीं दी है। अब कैसे कहे कि भैया मैं तो किस मुंह से पार्टी दूं कि मेरी तीनों बहू तोतली है। तू घर जाएगा, वो तेरे से बोलेंगी, बात करेंगी, तू उनसे बात करने की कोशिश करेगा, वो तुतलाएंगे, तू चार जगह मेरी बदनामी करेगा। उसने क्या किया, जब दोस्त ज्यादा पीछे पड़ गया तो तीनों पत्नियों से आकर के कहा देखो मैं कल ऑफिस जाऊंगा, और ऑफिस जाने पर मेरा, मैं तो चला जाऊंगा ऑफिस, बाद में मेरा मित्र आएगा और उसको जो भी भोजन में चाहिए सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके उसके सामने रख देना, लेकिन शर्त है खबरदार अगर तीनों में से कोई उसके सामने बोली, तीनों में से कोई उसके सामने बोली और जो भूल गई उसको घर से बाहर कर दिया जाएगा। अब तीनों बड़ी शांत सुबह से ही लग गई, किसी ने कुछ बनाया, पूरी सब्जी कचौड़ी रायता सब कुछ बना महाराज, 10-5 तरह की सब्जी बनी, पनीर की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, मिक्सचर सब्जी और जो जो होती है करेले की भी बनी। बोलो राधे, अब बड़ी सुंदर खीर वगैरह बनाई, दोस्त आ गया, थाल रख दिया, ठंडा पानी गर्म पानी जैसा भी पीना है पी लिए, कभी कोई कचौड़ी लाए कभी पूरी लाए, लेकिन कोई बोले ना। दोस्त ने सोचा कि देखो तो सही है, बोल क्यों नहीं रही है, बस आती है पूरी रख जाती है चली जाती है। अब उनको भी भय है अगर गलती से बोल गई तो देश निकाला हो जाएगा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। जब उस दोस्त ने, मित्र ने भोजन कर लिया, पेट भर गया और डकार लेने के बाद बोला वैसे तो भैया भाभी सब कुछ अच्छा है लेकिन, अब जैसे लेकिन कहा कान खड़े हो गए, क्योंकि लेकिन में कोई ना कोई बात होती, छुपी हुआ तो होती है। जैसे लेकिन कहा तो उसने कहा वैसे तो सब कुछ अच्छा है लेकिन ये जो करेले की सब्जी है ये थोड़ी कड़वी रह गई। अब जैसे ही कहा कि ये जो करेले की सब्जी है कड़वी रह गई, जिसने करेले की सब्जी बनी बनाई थी वो भूल गई कि मुझे बोलना भी है, मुझे नहीं बोलना। उसने आवेश में आकर के सुना कि करेले की सब्जी कड़वी रह गई, उसे रुका नहीं गया और कहा कि मैंने तो खूब तेल में थौती बिरवी तरवी। दूसरी बोली बोल दई है मानी नहीं बोल दई। तीसरी बोली हम तो तुप्पे ठीक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कह दिया हो स्वामी जी ने खबरदार जो तूने कथा में जाकर के राधे राधे बोली या कीर्तन गाया ताली बजाई, ऐसा है? हाँ जी ऐसा ही है, फिर तो कोई बात नहीं। अगर स्वामी जी ने मना कर दिया है कि बोलना नहीं है
तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं मना किया है तो एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे बड़े भाव से और पता चल जाएगा कि किस किस से मना किया है, किस किस से नहीं कहा है। बोले राधा रानी सरकार की। अभी अभी देखो वो करंट नहीं जो आना चाहिए। बोले बिहारी जी महाराज की, यही होना चाहिए। दुआ जब दिल से होती है ठाकुर मंजूर करता है। निद्राया ह्रियते नक्तम व्यवयायेन च वावय दिवाचार्ते हया राजन कुटुंबेन भरणेन वा। राजन, व्यक्ति की 100 वर्ष की उम्र है लेकिन 50 वर्ष उसने सोने में निकाल दिया और 50 वर्ष वो जागता रहा लेकिन 50 वर्ष में से भी 25 साल उसने पढ़ने में निकाल दिया। बच्चा छोटा सा और जितना वजन नहीं होता है उससे ज्यादा उसके बैग में वजन होता है, टेंशन में बेचारा पढ़ता है, फिर धीरे धीरे पढ़ता है। तो 50 वर्ष सोने में और 25 वर्ष पढ़ाई में निकाल दिए, कितने रह गए फिर? 25 वर्ष महाराज गजे की तरह लगता है कमाने के लिए, फिर दिन रात एक कर देता है, नए नए प्लान बनाता है, नए नए प्रलोभन समाज को देता है कि ऐसा नहीं ऐसा करो। और ठाकुर जी के सामने भी जाता है तो यही कहता है कि प्रभु अब तो मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो, मेरा घर बन जाए। ठाकुर जी ने घर भी दे दिया। बोले ऑफिस जाने के लिए गाड़ी भी चाहिए, गाड़ी भी दे दी। बोले गाड़ी के साथ साथ एक आध नौकर और मिल जाए क्योंकि श्रीदेवी जी परेशान हो जाती हैं, तो ठाकुर जी ने नौकर भी दे दिए। बोला नौकर के साथ साथ प्रभु कुछ बैंक बैलेंस भी आ जाए तो पता नहीं कब मोदी जी नोटबंदी कर दें और कब कोरोना आ जाए, इसलिए ठाकुर जी ने नौकर भी दे दिया, बैंक बैलेंस भी दे दिया। फिर कहा कि अब ठाकुर जी ऐसा मेरा नाम कर दे, जब ज्यादा पैसा हो जाता है तो लोग कहते हैं अब राजनीति का भी आनंद ले लें, कुछ पद प्रतिष्ठा मिल जाए। ये चाह है ना, चाह चाह कभी खत्म नहीं होती। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही। चाह पैदा हो गई कि अब तो ये आ जाए। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठर से चाह कोठी से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल ले जाती रही। फिर तो पैसा आ गया, चाह बढ़ गई, बोले गाड़ी आ गई तो हम तो होटलों में जाकर के पार्टी करेंगे। चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाह जार लगी जी जरा हो गया, चाह हर से लगी जी हरा हो गया। अब आपकी मर्जी है कि आप अपनी चाह को भगवान में जोड़ना चाहते हैं कि इस दुनिया में जोड़ना चाहते हैं। दुनिया में जोड़ दोगे तो केवल पतन का रास्ता, जहां आपका पतन होना है। और अगर आपने वही चाह ठाकुर जी से जोड़ दी तो मीराबाई की तरह, रहीमदास जी की तरह, कबीरदास जी की तरह, ध्रुव जी महाराज की तरह तुम्हारा भी नाम कथाओं में गाया जाएगा। हम 25 वर्ष ऐसे कमाते महाराज, बेदुल ना भाई को देखते हैं ना माता पिता को देखते हैं। और कबीरदास जी ने सुंदर इस भाव का, इस श्लोक का बड़ा भाव लिखा है कि रैन गवाई सोए के दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था और कौड़ी बदले जा, रात्रि में सो करके भोगों में लिप्त रह करके और दिन में खाने पीने के लिए हम कमाते रहे। परीक्षित तेरे पास 7 दिन हैं अभी, तू एक काम कर, जिता सना जित स्वासो जिता संगो जितेंद्रिय, तुझे कथा सुननी है ना? बोले हाँ। तो एक काम कर, पहले आसन को जीत। सुखदेव जी ने निवेदन किया परीक्षित से कि परीक्षित पहले आसन को, पहले भगवान के सामने सुखासन लगा करके बैठना सीख। एक संत कहते थे बड़ी मस्ती में कि भैया कहीं जाओ तो पहले आसन फिर बासन उसके बाद में राशन और जब जमाओ अपनों
शासन, बोलो राधे। तो पहले आसन जितासनो, पहले आसन को जीतो। कथा में बैठे 3 घंटे, कभी पंडित जी की तरफ पैर कर दिए, कभी पीछे की तरफ कर दिए, कभी लेटने किया बस। कभी कभी तो ऐसा झूठा आता है कि महाराज तकिया मिल जाए, वसंत मिल जाए और एक चादर मिल जाए, बस यहीं पड़ जाए, बड़ी प्यारी नींद आती है। और एक बात और है, कथा में ही आकर के वार्तालाप होता है। जो बातें बाहर करनी चाहिए वो बातें उखड़ उखड़ करके कथा में ही आती हैं। कहीं कथा के बाद कोई बात रह गई तो गड़बड़ हो जाएगी। जिता सनो जिता स्वासो, फिर अपना रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वास पर नियंत्रण करें। जो नियम बताए पहले सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनने के लिए, जिता सनो जिता स्वासो जिता संगो जितेंद्रिय। आसन जीत लिया, श्वास पर नियंत्रण कर लिया, फिर है तीसरा जितह संगो। संग किसका करे? बोले शुद्ध सात्विक संतों का संग करे। अब संत केवल पीले कपड़े को वाले को संत नहीं कहा जाता है कि सफेद कपड़ा पहन लिया वो संत बन गया, पीला पहन लिया वो, काला पहन लिया, नहीं। संत तो हृदय से होता है। पीले कपड़े पहन करके संत नहीं कहा जाता, भले ही हम भौतिकवादी दृष्टियों से देखें। और आजकल तो संत का महाराज वो तो मेहनत है पूरे, हैं? गाड़ी है, घोड़ा है, 4 आगे 4 पीछे, बॉडी गार्ड अलग है। और संत कौन होते हैं? जो छुपे रहते हैं, जो केवल चाहते नहीं है कि हम दर्शन दुनिया में देने के लिए जाएं, बस वो एकांत में जो मस्त रहते हैं उसको संत कहते हैं। ऐसे संतों का संग कर परीक्षित। जिता सना जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीते। अनुष्ठान में किसी को गाली गलौच ना करे, क्रोध ना करे, तपस्या साधना के समय किसी से अपशब्द ना बोले, सभी से प्रेम से बात करे। ये कथा सुनने के नियम है परीक्षित। जिता सना जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। राजन तेरे पास में तो 7 दिन है, खटवांग के पास में तो मात्र 48 मिनट थी जिसने भगवान को पा लिया, जिसने भगवान को पा लिया। सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करते हैं कि पहले मैं ठाकुर जी को प्रणाम कर लूं, उसके बाद तुझे कथा सुनाऊंगा। नमः परस्मै भूयाय भूयसे सदुद्भवान स्थोन निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति त्रतयाय देहिना मंत्र भवाया अनुपलक्ष्य वर्तमने। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते कहते हैं, प्रभु मेरी वाणी पर आकर के आप विराजमान हो जाओ। क्यों? क्योंकि मेरी वाणी में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं आपके स्वरूप का वर्णन कर सकूं, आपके गुणों का मैं वर्णन कर सकूं। आप अगर आकर के विराजमान हो जाओगे तो मैं इस परीक्षित का उद्धार कर सकता हूँ। मैं आपके आप जब मेरी वाणी पर बैठ जाओगे, सुंदर सुखदेव भगवान मंगलाचरण करते हैं। और मंगलाचरण करने के बाद में भागवत जी की उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं परीक्षित। इस कथा को नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने मेरे पिताजी ने मुझे इस कथा का दान दिया। और वही कथा मैं तेरे को सुना रहा हूं, वही कथा। 4 श्लोक चतुश्लोक की ब्रह्मा जी को मिली। अहमे वासमे वाग्रे नान्यद् यत् सद् सत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ये पहला श्लोक नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। दूसरे श्लोक में माया का वर्णन, तीर्थ यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या दात्मनो माया यथा भासो तथा तमः। ये दूसरा श्लोक माया के बारे में बताया कि जो ये दिख रहा है ना ब्रह्मा, वो सब मेरी कृपा से दिख रहा है। और तीसरे श्लोक में कहा कि यथा महांति भूतानि भूते सुच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सूनतेष्वहम्। तत्व के बारे में बताया, फिर एक जिज्ञासा के बारे में,
एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। सुंदर चार श्लोकों में ये सुंदर उपदेश भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। इसके बाद में परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु ये बताओ कि बाकी तो सब ठीक है, ये सृष्टि इतनी सुंदर क्यों है, ये सृष्टि इतनी सुंदर कैसे दिखती है, इसके बारे में कुछ मुझे बताओ। तब सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, जब विदुर जी और मैत्री जी का संवाद हो रहा था, तब मैत्री जी से विदुर जी ने पूछा कि प्रभु भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, वही वही जो मैंने उनसे भाव सुना था वही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। एक बार नारायण के मन में भाव आया कि मैं एक से अधिक हो जाऊं तो नाभि कवल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने चारों तरफ देखा, केवल जल ही जल, और अंत नीचे की तरफ झुक करके देखा तो एक कवल के पुष्प से मैं प्रकट हुआ। चारों तरफ देखने के कारण ब्रह्मा चतुर्मुखी हो गए। हजारों वर्ष तक उस कमल की तंतु में नीचे जाने का प्रयास कर रहे थे कि मैं कहां से प्रकट हुआ हूं, कुछ तो मुझे मूल मिले। हजारों वर्ष तक उस तंतु में जाते रहे, जब थक गए तो बोले अब मेरे बस की बात नहीं, अब जाकर के फिर ऊपर बैठ गए। अच्छा, एक विशेष और बात आपसे निवेदन करूं कि हर ग्रंथ में, हर पुराण में उत्पत्ति का अलग अलग वर्णन है। भागवत जी में अलग है, नारायण पुराण में अलग है, बराह पुराण में अलग है, शिव पुराण में अलग है। तो जैसे ही थक गए तभी आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा तुम तप करो, और ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने के बाद सुंदर चतुश्लोक की भागवत मिली, और भागवत मिलने के बाद में कहा कि अब तप करने के बाद में तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने चार, सबसे पहले चार पुत्रों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों को। ये सदा 5 वर्ष की उम्र में ही रहते हैं, और जैसे ही प्रकट हुए इनसे कहा कि भैया तुम सृष्टि में मेरा साथ दो। इन्होंने कहा पिताश्री हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे, हमें तो भगवान का भजन करना है। मना किया, ब्रह्मा जी को रोष आ गया, और जैसे रोष आया प्रकृति के मध्य से एक नील लोहित वर्ण निकला, और जैसे नील लोहित एक वर्ण निकला देखते देखते वो विशाल काय स्वरूप में परिणित हो गया, और जैसे परिणित हुआ नामानि कुरु मे धात स्थानानि च जगत गुरु, मेरा नाम रखिए, मेरा नाम आप रखिए। तो कहा कि जाओ तुम्हारा नाम रुद्र होगा, तुम रोते हुए प्रकट हुए इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। और वही आगे जाकर के कौन हुए, बोले शंकर भगवान की जय। इसके बाद में शंकर जी से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। अब शंकर जी पता क्या करते हैं, बोले मैं मना तो नहीं कर सकता हूं, अगर मैंने मना कर दिया तो कहीं दूसरा शंकर फिर दोबारा से पैदा ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं कि वो ऐसी सृष्टि की रचना करते हैं जो ब्रह्मा की सृष्टि को खा जाती है। जीव जानवरों का, बड़े बड़े सिंह स्यारों की, कीट पतंगों का, जो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई सृष्टि है उसको भोजन के रूप में पा जाते हैं। अब ब्रह्मा जी टेंशन में आ गए, भैया मैं यहाँ निर्माण करता हूँ, तुम पीछे से आकर के सभा कर जाते हो, लगता है तुम संहार के देवता हो, इसलिए काम करो, जब तुम्हारा काम होगा तुम्हें बुला लेंगे, जब तक भगवान का भजन करो। भोलेनाथ ने सोचा कि मैं तो चाहता भी यही था कि मैं भजन करूं, और भोलेनाथ जाकर के कैलाश में सुंदर राम जी का भजन करते। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि स्वतः ही सृष्टि अपने आप प्रकट हो। तो दाएं अंग से मनु जी और बाम अंग से शत्रुपा जी को प्रकट किया, और इनसे कहा कि अब आप मैथुन सृष्टि के द्वारा सृष्टि का विस्तार करो। मनुजी ने कहा कि भगवान हम करें तो सही, लेकिन पृथ्वी को ले जाकर के हिरण्याक्ष ने छुपा दिया, और जैसे ही कहा कि पृथ्वी को छुपा दिया है तो बोले क्या करना चाहिए, बोले करो क्या, भगवान से प्रार्थना करो। और जैसे ही भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने 12 रूप धारण किया, और 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध करके उस पृथ्वी को ला करके दोबारा से स्थापित कर दिया। जैसे स्थापित किया, ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि भैया अब तो जाओ और जा करके तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो उन्हीं के दाम्पत्य जीवन से, मनुजी महाराज के दाम्पत्य जीवन से
तीन कन्याएं और दो पुत्र प्रकट हुए। तीन कन्याएं आकुति, देहूति और प्रसूति, और दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनुजी महाराज के ही नाम के कारण हम सभी मानव कहलाए। बड़ी सुंदर सृष्टि उन्होंने आगे बढ़ाई। तब कहा कि प्रभु ये बताओ, ये देवहूति जी कौन है? तीन कन्या आप बता रहे हो, आकुति, देवहूति और प्रसूति। मुझे तो देवहूति का सबसे पहले चरित्र सुनना है, ये कौन है? बोले ये ब्रह्मा जी के जो गोद से प्रकट हुए हैं कर्दम जी महाराज, छाया से प्रकट हुए हैं, उनकी पत्नी है देवहूति। बोले अच्छा प्रभु, इनके दाम्पत्य जीवन के बारे में भी कुछ बताओ। बोले बिल्कुल बताएंगे। और जैसे ही कहा कि दाम्पत्य जीवन के बारे में बताओ, तो कर्दम जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं है, कभी कुछ नहीं मांगते। वो सोचते हैं कि बस भगवान के हमें, हम भगवान की सेवा करते रहे। क्योंकि सभी सृष्टि बढ़ाएंगे तो क्या हमने भी सृष्टि बढ़ाने का ठेका ले रखा है? लेकिन कर्दम जी के मन में ये भावना नहीं है। कर्दम जी कहते हैं प्रभु हम तो केवल आपका भजन करना चाहते हैं। लेकिन एक समय के लिए कर्दम जी के मन में भाव आ गया कि मेरा भी विवाह हो जाए और मैं विवाह कर लूं, मैं भी विवाह कर लूं। और जैसे मन में भाव आया, लेकिन कर्दम जी कहते हैं प्रभु ये भाव बहुत गलत आ गया, मेरे मन में इच्छा नहीं थी। भाव आया, भगवान प्रकट हो गए। और जैसे भगवान प्रकट हुए, बोले ठीक है तुम्हारे मन में भाव आया, ये इच्छा हम तुम्हारी जरूर पूरी करेंगे। लेकिन कर्दम जी कहते हैं प्रभु क्या करूं, जब आपके दर्शन मुझे हो गए तो अब मेरा मन नहीं लगता है, मेरा मन लगता नहीं है आपके बिना। अब मेरे दर्शन से आपके, मेरे मन की सभी इच्छाएं खत्म हो गई हैं। क्यों? कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में, कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में, कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। सभी ताली सेवा करते हुए हमको तो कोई नहीं है कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में, कहिए भगवान से लगता नहीं जमाने में, दिल लगता लगता नहीं है जमाने में, कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में, हे प्रभावाना दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। सभी बड़े भाव से ताली सेवा करता हूं। Oh, my God.
भाते हैं झूठे लाते हैं अब ना भाते हैं झूठे लाते हैं अब ना भाते हैं झूठे लाते हैं अब ना भाते हैं झूठे लाते हैं झूठे नाते हैं अब ना भाते ढंग दुनिया के अब ना सुहाते हैं ढंग दुनिया के अब ना सुहाते हैं दिल लगता दिल लगता दिल लगता नहीं है जमाने में दिल लगता नहीं जमाने सुनाऊं मैं क्या दिखाऊं मैं क्या सुझाऊं मैं क्या दिखाऊं मैं क्या सुनाऊं 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 क्या दिखाऊं मैं दास्तां अपनी क्या बताऊं मैं क्या अपनी क्या बताऊं मैं दास्तां अपनी क्या बताऊं मैं दास्तां अपनी क्या बताऊं मैं नहीं अपना नहीं अपना नहीं अपना नहीं अपना नहीं अपना है कोई जमाने में नहीं अपना है कोई जमाने में काना दिल मेरा जगता नहीं जमाने महाराज जी लगता है अपने घराने में हमारा तो महाराज घर में ही आंगन घर में ही मन लगे तुम्हारी कथा में मन ना लग रहा बोलो राधे। अच्छा एक बात बताओ कथा समझ में आ रही है कि ऊपर से ही जा रही है समझ में आ रही है अच्छा किस किस के समझ में आ रही है ये क्या ये कोई पंख थोड़ी है बताने तो ऐसे बताओगे हाँ समझ में आ रही है बस इतनी लोगों के समझ में आ रही है अम्मा के समझ में जरूर आ रही है हमारी कान्हा गाइए दिल मेरा लगता नहीं जमाने में कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने कुछ आया है उसको भी सुन लो राधे राधे बोलिए बाकी बिहारी लाल की भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। आइए कुछ दानी दाताओं ने
अपनी नेक कमाई में से दान दिया है। कहते हैं भैया जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर कृपा प्रभु की होती है, जिस पर कृपा कन्हैया की होती है, वही यज्ञ अनुष्ठानों में जाकर के दान करते हैं, सहयोग करते हैं। तो आइए कुछ दानी दाताओं का नाम है जिन्होंने अपनी नेक कमाई में से दान दिया है। श्रीमान बबलू गौतम जी सावरिया रेडीमेड अर्निया निवासी, जो अपनी नेक कमाई में से 5100 रुपए का सहयोग दे रहे हैं। भगवान इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, भगवान इनको 1000 गुना करके फल प्रदान करे। हमारे श्रीमान बबलू गौतम जी के लिए एक बार जोरदार सी तालियों की गड़गड़ाहट। श्रीमान गोविंद के नाना जी श्रीमान रतिराम शर्मा जी भेरे वाले, जो अपनी नेक कमाई में से 511 रुपए का सहयोग दे रहे हैं। भगवान इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, भगवान इनको 1000 गुना फल प्रदान करे। हमारे श्रीमान गोविंद भैया जी के नाना जी के लिए, श्रीमान रतिराम शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार सी तालियों की गड़गड़ाहट, जो कि आपके जंक्शन पर भी बाहर से चल करके दान आ रहा है। तो आइए श्रीमान ठाकुर साहब जी बैंक वाले जंक्शन खुर्जा, जिन्होंने अपनी नेक कमाई में से 501 रुपए का सहयोग दे रहे हैं। भगवान इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, भगवान इनको 1000 गुना फल प्रदान करें। इनके लिए भी एक बार जोरदार सी तालियों की गड़गड़ाहट। श्रीमती भगवानी देवी जी माता जी, जो अपनी नेक कमाई में से 501 रुपए का सहयोग फिर से दे रही हैं। 500 रुपए कल दिए थे और 500 रुपए फिर से आज दे रही हैं हमारी माता जी। श्रीमती भगवानी देवी जी, हमारी माता जी के लिए भी एक बार जोरदार सी तालियों की गड़गड़ाहट। भगवान इनको धन धान्य की वृद्धि करे, इनके यहाँ पर सुख शांति बनाए रखे, और आप लोग ऐसे ही यज्ञ अनुष्ठानों में दान करते रहें। और सभी से मैं यही निवेदन करूंगा कि सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में सहयोग करें, दान करें, और दान करके पुण्य के भागीदार बने, क्योंकि यहाँ पर दान करने से कभी धन घटता नहीं है, धन हमेशा बढ़ता है। इसलिए सभी थोड़ा थोड़ा करके कथा में दान करें और सहयोग करें। और यहाँ पर हमारे आकू भैया जी पीछे बैठे हुए हैं, रसीद लेकर के उनको अपना नाम लिखाएं और सहयोग करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे बोले बाके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय, जय श्री राधे श्याम। आइए आप लोग शांति व्यवस्था बना करके कथा श्रवण करेंगे। परम पूज्य व्यास जी कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में, जग न भाता है न सुहाता है, जग न भाता है न सुहाता है। करदम जी महाराज भगवान से कहते हैं प्रभु अब आपका दर्शन हो गया, अब कुछ अच्छा नहीं लगता, अब मांगने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि सच्चा नाता ना कोई भाता है, सच्चा नाता ना कोई भाता है। ये जो हम कहते हैं कि हमारे तुम्हारे ये नाते नहीं प्रभु, सच्चा नाता तो आपसे ही है। नाता एक राम जी से, केवल नाता तो एक राम जी से ही है। दिल तो लगता है प्रभु आपको रिझाने में, दिल तो लगता है तुमको रिझाने में, काना दिल मेरा लगता है। तो तुप्पी दी के महाराज काना दिल मेरा लगता नहीं। करदम जी कहते हैं प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब कोई इच्छा नहीं है। भगवान बोले नहीं,
अब तो इच्छा जागृत हो गई है, तो हमारा कर्तव्य है पूरा करने का। और सुनो, परसों को जो मनुजी महाराज हैं अपनी बेटी को लेकर के आएंगे, मना मत कर देना, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और जैसे ही करदम जी से कहा कि बेइज्जती हो जाएगी, करदम जी ने कहा नहीं प्रभु, आपकी बेइज्जती नहीं होने देंगे। अब सोचिए भगवान कौन, एक ऐसे महान संत हैं केवल एक अकेले ही जिनके स्वयं भगवान बिचौलिया बने। कौन बने? आम व्यक्ति का जब कोई विवाह होता है तो कोई पड़ोसी कराता है, कोई रिश्तेदार कराता है, लेकिन करदम जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनके बिचौलिया भगवान बने। और कह दिया है मना मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले ठीक, करदम जी महाराज फिर तपस्या में। जैसे ही एक दिन छोड़कर बीता एक दिन, दूसरा दिन आया, करदम जी महाराज भगवान का भजन करके उठे ही थे कि देखा एक राजा अपनी पत्नी के साथ एक कन्या को भी लेकर के आ रहा है। करदम जी ने सोचा कि भैया जा छोरी थे, हमारा विवाह है ने बारो है, अब देख तो ले कैसी है कैसी ना है। भगवान तो कह गए कर लियो, चलो ठीक है। वहां भी उन्होंने अपना गणित लगा दिया। आजकल जो गणित लगाते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है कि बहू काली है, लड़की गोरी है, कितनी पढ़ी लिखी है। अच्छा एक बात है, आजकल तो राधे ही राधे है। जैसे कोई देखने के लिए जाए, सासू जाती है, बोले लड़की साफ शुद्ध हो, देखने में अच्छी हो, घर का काम काज जाती हो, और कुछ बोलती ना हो। कौन कह रही है? सासू जी जो कभी बहू थी। सासू जा रही है लड़के के लिए बहू देखने के लिए, जो पहले कभी बहू थी, बोले सब कुछ करती हो और थोड़ी लड़के के मैच की तरह हो। बोलो राधे राधे। कितनी हो? हमारा छोरा 5 फीट 5 इंच का है, तो 5 2 5 3 तो चली जाएगी। अब बिल्कुल वही समतल तो ना चलेगी, कोई बात नहीं भैया, अब तो इंचों से नापा जाता है, कितनी बड़ी विडंबना है। उसके बाद में लड़के के सरकारी नौकरी है, लड़का अगर अच्छा कमा रहा है तो बोले इतना पैकेज है, हम तो 25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए में बात बनेगी। आप एक बात सोचिए, जिसका पिता किसी न किसी तरह से 25-30 लाख रुपए तो खर्च कर देता है, लेकिन फिर वो कन्या आकर के आपकी सेवा नहीं करेगी, ठीक है, कह दे कि हमारे पिताजी ने आपको 25 लाख रुपए दिए, कोई हम काम करने के लिए थोड़ी आई हैं। पहले जमाने में पिताजी गोरे हुए हुआ करते थे, माताएं काली सांवरी हुआ करती थी, लेकिन इतना प्रेम रहता था कि कोई ये नहीं कहता था कि हम दोनों में झगड़ा है। न कोई नापा, न कोई तोली, न कोई ग्रेजुएशन के इंटर पढ़ी है, बीए पढ़ी है, एमए पढ़ी है, पीएचडी कर रखी है। पहले बिना पढ़े लिखे लोग आग बंद करके शादी कर लेते थे केवल बात पर, और आज बिल्कुल छांटबीन करके पूरा देख लेते हैं लड़की कितनी पड़ी है, क्या है क्या है उसके जीवन में, सब कुछ जांच परख करने के विवाह परख करके विवाह करते हैं। फिर भी विवाह 6 महीने साल भर बाद हजारों तलाक रोज होते हैं, क्यों हो रहे हैं? पैसे की कमी किसी के पास नहीं है, शिक्षा की कमी किसी के पास नहीं है, लेकिन सहनशीलता अब किसी के पास नहीं रही है। बोलो राधे राधे। किसी के पास सहनशीलता नहीं रही, अब तो वर के अनुरूप ही लड़की चाहिए। करदम जी ने सोचा कि देखें तो सही, जैसे ही वो आ रहे थे तभी देखा 3 आसन बिछा दिए, दोनों मनु शत्रुपा के लिए, एक अपनी पत्नी के लिए। और जैसे ही आए प्रणाम किया करदम जी महाराज ने, और जैसे ही प्रणाम करने के बाद में करदम जी ने कहा कि बैठिए राजन। मनु जी महाराज और शत्रुपा जी तो बैठ गए, लेकिन देवहूति ने सोचा कि मैं पति के सामने पहली बार आई हूँ और पहली बार ही मेरे लिए इन्होंने आसन डाल दिया है, अगर मैं आसन पर बैठती हूँ तो मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर नहीं बैठती हूँ तो इन्होंने जो सम्मान दिया है ये बुरा मान जाएंगे, क्या करूं, ऐसा क्या करूं। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, देवहूति ने क्या किया कि अपना सीधा हाथ लिया और लेकर के आसन पर रख दिया और स्वयं पृथ्वी पर बैठ गए। करदम जी ने सोचा कि वाह, हमें जो पति रूप में वरण करने वाली है, जो हमारे जीवन की जीवन संगनी बनने वाली है, वो हमारे योग्य है। और आजकल रमेश, हमारा रमेश तैयार है बिल्कुल, कब देवी जी ऑर्डर दे, बोले मेरा सर दर्द हो रहा है, कब चाय बना देना,
रमेश बिल्कुल तैयार है महाराज चाय बनाने के लिए कि कब चाय बना करके देवी जी को पिलाया जाए। और माता जी कहेंगी भैया एक गिलास पानी दे देना। माता जी तुम घर में है तो रहती हो, तुम्हें पानी भी नहीं पिया जाता। और देवी जी ने कहा कि वो वहां चलना है। कहां पे? बोले नुमाइश लगी है, छटका मेला लगा है, वहां चलना है। पैसा का जुगाड़ नहीं है, फिर भी महाराज कहीं से कहीं ना कहीं से लेके दे के कुछ देवी जी को प्रसन्न करना है। जय हो। तो व्यक्ति प्रसन्न करने के लिए लगा है। कर्दम जी ने सोचा कि हमारे अनुरूप है, विवाह कर लो। और वही पाणिग्य ग्रहण हो गया। और जैसे पाणिग्य ग्रहण हुआ, राजा अपनी बेटी को छोड़कर के चला गया। और देखो उस देवूति माता को, जिसके पास न घर है, न रहने के लिए कोई व्यवस्था है, न खाने के लिए शाम के लिए अन्न की व्यवस्था है, केवल अपने पिता के कहने पर हाथ अपना पर पुरुष के हाथ में दे दिया और उसी को अपना जीवन मान लिया कि अब तो मेरे यही जीवन धन है। राजा के जाने के बाद में कर्दम जी महाराज दूसरे दिन अखंड समाधि में चले गए। एक संत कहते हैं कि 40,000 वर्षों तक कर्दम जी महाराज तपस्या में रहे। कितने सालों तक? 40,000 वर्षों तक। और जब 40,000 वर्षों तक तपस्या में रहे तो देवहूति मैया ने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि शरीर कृशकाय हो गया, जर्जर हो गया, बुढ़ापे ने आकर के घेर लिया, आंखों से नहीं दिखता, फिर भी पति की सेवा करती हैं, सोचती हैं एक ना एक दिन तो पति मेरे इस समाधि से जगेंगे, एक ना एक दिन तो पति मेरे समाधि से जगेंगे। प्रातःकालीन जगती हैं, पति का शरीर पहुंच देती हैं, सोचती है कि अब इस समय मेरे पति का भोजन का समय हो रहा है तो भोग लगा करके पति के सामने ही फिर उसको पा लेती है, थोड़ा सा जलपान करती है। और जिस झोपड़ी में कर्दम जी महाराज रहते हैं उसमें असंख्यों पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे हैं। सांप और नेवला एक ही साथ उस झोपड़ी में रहते हैं। उस तपस्या के प्रभाव से जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनके मन से भी वो भाव निकल गया है, क्रूरता का भाव निकल गया है। और 40,000 वर्षों तक जैसे ही आंखें खुली तपस्या से और सामने एक वृद्धा महिला को देखा, माता को देखा, कर्दम जी ने कहा देवी तुम कौन हो? अब जैसे ही कर्दम जी ने कहा कि देवी कौन हो, देवहूति बोली प्रभु, हाथ जोड़ करके बोली प्रभु याद करिए, आज से कुछ वर्षों पूर्व एक राजा एक रानी आए थे और आपके हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे करके गए थे। और जैसे ही कर्दम जी महाराज को याद आया, देवी तुम आज तक तुम मेरी सेवा करती रही, कई दशक निकल गए, हजारों वर्ष की अवस्था तक मैंने समाधि में रहकर भगवान का भजन किया और आप अभी तक टिकी रही। बड़े प्रसन्न हुए कर्दम जी महाराज, देवी तुमने मेरी बड़ी सेवा की, बड़ी सेवा की। और इतने प्रसन्न हुए, कहा अपने आशीर्वाद के द्वारा एक सुंदर सरोवर का निर्माण किया और कहा कि देवी जाओ, जाकर के सरोवर में स्नान करो। और जैसे देवहूति ने जाकर के सरोवर में स्नान किया, 16 वर्षीय नव युवती की तरह जैसे अपने पिता के यहाँ से आई थी, तपस्या के प्रभाव से उनका शरीर वैसा ही हो गया। असंख्यों दास दासियां खड़ी हो गई। कर्दम भगवान ने अपनी तपस्या के द्वारा एक सुंदर विमान को बनाया और कहा कि हम अपनी पत्नी के साथ विहार करेंगे और ऐसा घर बनाएंगे मन की इच्छा से जो चलने वाला हो। कर्दम जी महाराज ने भी गोता लगाया, वो भी 16 वर्ष की अवस्था वाले हो गए। दोनों के दाम्पत्य जीवन में बड़ा आनंद लिया और उनके दाम्पत्य जीवन में सबसे पहले 9 कन्याओं ने जन्म लिया। लेकिन भगवान से एक निवेदन किया था, सुनो एक कन्या अगर एक संतान मेरे घर में हो जाएगी ना तो मैं फिर प्रभु घर को छोड़ दूंगा। और जिस घर में 9 कन्याएं हो गई, कर्दम जी को याद आ गया, अरे देखो मैं कितना भोगी बन गया, मैंने भगवान की भक्ति छोड़ दी, भगवान से प्रेम करना छोड़ दिया, 9 कन्याएं मेरे यहाँ पर। और जैसे ही वैराग्य प्रबल हुआ, कर्दम देवहूति से आकर के बोले देवी हम तो अब घर छोड़ करके जाना चाहते, घर छोड़ करके जाना चाहते हैं, अब तो भगवान का भजन करेंगे। देवहूति ने कहा प्रभु एक बात बताओ, ये 9 बेटियां हैं और मेरा शरीर एक स्त्री का शरीर है,
मैं ये थोड़ी बड़ी होंगी, इनका विवाह संस्कार भी करना है, तो इस स्त्री शरीर को लेकर के मैं इनके लिए वर खोजते हुए कहां पर भ्रमण करूंगी। लेकिन जब भगवान आए थे तो कर्दम जी ने कहा कि विवाह तो हम कर लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप हमें पुत्र के रूप में आए हमारे दाम्पत्य जीवन में तब हम विवाह करेंगे। भगवान ने कहा कि चलो ये भी इच्छा तुम्हारी पूरी करता हूं। देखो कर्दम जी ने कितने काम बना लिए भगवान के द्वारा। कुछ समय बाद कर्दम जी के दाम्पत्य जीवन में प्रभु का अवतरण हुआ। बोले कपिल भगवान की, कपिल देव भगवान का अवतरण हुआ। और जैसे ही भगवान का अवतरण हुआ, कर्दम जी महाराज आए, आकर के भगवान से कहा प्रभु अब मुझे आप आशीर्वाद दें, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता और जाकर के भजन करना चाहता हूँ। कर्दम जी महाराज ने अपने पुत्र कपिल देव जी की परिक्रमा करके सीधे भगवान का भजन करने चले गए और अपनी कन्याओं का विवाह बड़े बड़े ऋषियों के साथ कर दिया। और कैसी कन्या है महाराज, एक से एक कन्या, बड़े से बड़े ऋषि, महान तपस्वी ऋषि को ब्याही है, एक से एक बड़ी कन्या है। क्यों? क्योंकि पुत्र के ऊपर तो केवल एक कुल की इज्जत का भार कंधे पर होता है और कन्या के ऊपर दो दो कुलों का। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सब जो, सुजस धवल जग कह सब को, सुजस धवल जग कह सब को। पुत्र एक कुल का नाम रोशन करता है लेकिन बेटी दो कन्याओं का नाम रोशन करती है। बोलो राधे राधा। कितने कुलों का नाम रोशन करती है? दो कुलों का। एक से एक जो पुत्री थी बड़े से बड़े ऋषि को ब्याई गई महाराज, बड़े से बड़े ऋषि, बड़े से बड़े। केशव दास जी महाराज हैं, एक बड़े सुंदर संत हुए केशव दास जी महाराज। उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है, माताओं के लिए बड़ा सुंदर निवेदन किया है। एक बार नारी हित्र देव को बना के शिशु, बड़े ध्यान से सुनिए, पाति व्रत्य बल पालने में झुलाती है। कैसी नारी हमारे भारतवर्ष की, कि जिसके यहाँ पर तीनों देवता रूप धारण करके दूसरा स्वरूप बदल करके आते हैं और कहते हैं हमें नग्न अवस्था में भिक्षा दीजिए अनुसुईया के यहाँ पर, लेकिन पतिव्रत के पालन के कारण तीनों देवताओं को बालक बना करके अपने पालने में झुलाते। एक बार नारी ही त्रिदेव को बना के शिशु, पातिव्रत्य बल पालने में झुलाती है। एक बार नारी ही यमराज के पाछे लाग, मृतक निज पति को भी जीवित कर लाती है। ये भारतवर्ष की माता सावित्री माँ अपने पति को भी यमराज की गोदी से बलात् पूर्वक खींच करके ले आई। ये किस देश की जननी है? ये भारतवर्ष की माता है। एक बार नारी ही निज पति की प्रतिज्ञा हेतु काशी के बाजार में सहर्ष बिक जाती है। काशी के बाजार में सहस्र बिक जाती है। गुरुजी ने सब कुछ ले लिया दान में और देश निकाला दे दिया, जाओ इतनी असरपिया हमें दक्षिणा में चाहिए। और उन दक्षिणा गुरुजी को गुरु दक्षिणा देने के लिए हरिश्चंद्र स्वयं बिक गए, अपनी पत्नी तारा को बेच दिया, अपने बेटे रोहतास को भी बेच दिया। एक राजा छत्रपति सूर्यवंश का राजा हरिश्चंद्र गुरु आज्ञा सर पर रख करके स्वयं कहां पर शमशान में जाकर के नौकरी करते हैं। और वो पत्नी एक बार भी नहीं बोली कि आपने मुझे बेक दिया।
एक बार भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि हरिश्चंद्र कहा करते थे कि देवी सब भगवान के दिन है, आज ये है, कल हम भोगों को भोगते थे, कोई बात नहीं, आज भगवान हमें ये दिन दिखाना चाहते हैं, फिर भगवान हमारी सुनेंगे। एक बार नारी ही निज पति की प्रतिज्ञा है तो काशी के बाजार में सहस्र बिक जाती है। एक बार नारी ही प्रिय पुत्र को पठाए बन, जग का कल्याणकारी सौभाग्य बनाती है। एक वो माँ बेटे को धक्का मार दिया, कथा सुनोगे अभी आप आगे। ध्रुव जी महाराज सौतेली माँ ने कह दिया तुझे गोदी में बैठना है तो पहले मेरी गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, फिर भगवान की तपस्या कर और भगवान से मांग कि अब की बार सुनीति की गर्भ से जन्म न मिले, फिर सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले, तब इस गद्दी का अधिकारी होगा। और उस माँ ने ऐसा सुंदर उपदेश दिया बेटे को कि जा बेटा तू भगवान का भजन कर। तेरी उस माँ ने जो कहा है वो सत्य ही कहा है। है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का, रण में बन में सुख में दुख में छाया पति की बन जाती है। ऐसी पत्नी नहीं जो पति का पतन करा दे, बड़े समाज में जो पति का सर झुका दे वो पत्नी पत्नी कहलाने योग्य नहीं है। वो माँ जो अपने पति का नाम रोशन कर दे, अपनी कोमल उंगली को रथ के चक्के की कील बनाती है। दशरथ जी महाराज युद्ध कर रहे थे भरे मैदान में, कील निकल गई रथ की है, केकई ने अपने कन की उंगली को लगा दिया। प्रभु आप युद्ध करिए, देवी तुम्हारी कोमल उंगली आपको दर्द सहना पड़ेगा। नहीं प्रभु, अगर आपका सर शत्रुओं के सामने झुक गया तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, लोग कहेंगे देखो ये कायर की पत्नी है। और उस केकई मां ने अपनी उंगली को उस रथ के चक्के में लगा दिया। काली सी मतवाली बनकर अविरल रक्त बहाती है, अन्यायी आता तायों की दल देती पल में छाती है। है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। और एक बात और आपसे कहूं, केवल भारत वर्ष में ही माँ को माँ कहा जाता है, विदेशों में क्या कहते हैं मॉम, हैं क्या कहते हैं मॉम। अब जो माँ पहले मॉम बन चुकी है वो ममता कैसे प्रदान कर सकती है अपने बालक को। और पिताजी को क्या कहते हैं डैड, जिसके पिताजी जीते जी डैड हो गए मतलब मर गए, डैड माने मर गए और मॉम माने लाश। जिसके पिताजी जीवित माता पिता जीवित ही लाश बने हुए हैं वो क्या प्रेम प्रदान कर सकते हैं अपने बच्चों को? नहीं, केवल भारत में ही माँ को माँ कहकर के पुकारा जाता है। और देखो माँ और बाप में क्या अंतर होता है, माँ कौन होती है जिसके सामने बच्चे का मुंह खुल जाए, एक बार बोलना माँ मुंह खुल गया, और पिताजी के सामने बाप के सामने मुंह बंद हो जाए, बाप मुंह बंद हो जाता है बाप के सामने। ऐसी माँ हमारे देश में हुई है, एक से एक कन्या जो नौ बड़े बड़े ऋषियों को ब्याही गई, बड़े बड़े ऋषि, इनके चरित्रों को कोई सुन ले तो उस माँ का जीवन धन्य हो जाता है। कोई साधारण चरित्र नहीं है अनुसुईया का, एक बार कोई धारण कर ले तो अपने जीवन में पति लोक को प्राप्त कर लेती है। कर्दम जी चले गए, बहनों का विवाह हो गया, देवूति ने सोचा कि अब भगवान मेरे यहाँ पर आए हैं जीवन जन्म लेकर के, तो क्यों ना मैं इनसे ही कुछ संदेश ले लूं, कुछ उपदेश मिल जाए। देखो 5 वर्ष की अवस्था है केवल, कपिल भगवान का श्रृंगार करके सुंदर व्यासपीठ बना करके माँ ने बैठा दिया, जानती है कि ये भगवान है, और चरणों में बैठ करके प्रणाम प्रणाम निवेदन करती है और कहती है प्रभु मैं प्रकृति में आबद्ध नारी, प्रकृति में बंधी हुई नारी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, आप मेरा कल्याण करें।
एक माँ बेटे के चरणों में प्रणाम कर रही है। अब ये भाव निकाल लीजिए कि कपिल भगवान भगवान है, आप केवल एक सांसारिक दृष्टि से देखें कि एक माँ बेटे के चरणों में बैठ करके उससे उपदेश सुन रही है, और बेटे ने भी फिर माँ का पतन नहीं किया, माँ का कल्याण कर दिया, माँ का कल्याण कर दिया। ऐसा सुंदर सांख्य शास्त्र का निरूपण किया कपिल भगवान ने, ऐसे अष्टांग योग के नियम अपनी माँ को बताए, माँ माँ का जीते जी कल्याण कर दिया। मैया कहती है, बेटा मेरा जो मन है ना, ये संसार की वस्तुओं को देख करके लालायित रहता है। आंखें कहती है मैं अच्छा दृश्य देखूं, जीव कहती है कि अच्छा खाने को मिले, जो मेरी त्वचा है वो कहती है कि मुझे अच्छा स्पर्श करने को मिले, नासिका कहती है कि मुझे अच्छा सूंघने के लिए मिले, मेरी प्रत्येक इंद्री मुझे भोगों की तरह खींचती है, मैं इसको कैसे काबू में करूं, मैं इसको कैसे अपने काबू में करूं। तब भगवान कहते हैं, माँ ये काबू में तभी हो सकते हैं जब तुम संतों का संग करोगे, तुम संतों का संग करोगे। तो संतों के लक्षण बताए, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात सत्रव शांता साधव साधु भूषणा। माँ मय्यनन्येव भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृणां मत्कृते त्यक्तकर्णास् त्यक्तस्वजन बांधवा। मां हमें सच्चे साधुओं का संग करना चाहिए, तितिक्षवा जो तितिक्षा से रहते हैं, कारुणिका जिनके मन में करुणा है, सुहृद जो सरल है, ऐसे सच्चे साधुओं का संग करना चाहिए जो सरल। परम पूज्य साकेतवासी स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया करते थे, बड़ा सुंदर दृष्टांत। एक व्यक्ति था महाराज, बड़े भाव से सुने, बड़े ध्यान से। एक व्यक्ति था, एक बालक था वो, और अपने घर में रहता महाराज, कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, यहां से उठा करके लुटिया को कहते ना, यहां से लोटा को उठा करके दूसरी जगह भी नहीं रखता था, ऐसा बस खाए और सोए, खाए और सोए। अब जब तक माँ बाप रहे तब तक तो उसको भोजन मिलता रहा, लेकिन जैसे ही माँ बाप के जाने के बाद भाइयों ने कहा कि भैया हमारे यहाँ तो बिना, जब तक कुत्ता भी पहरा घर का नहीं देता है, उसके यहाँ रोटी नहीं डालते उसके आगे, तेरे को भोजन कहाँ से कराएंगे। जब घर वाले बड़े परेशान हो गए भैया भाभी, तो कहा कि भैया तू हमारे यहाँ से निकल जा, तू घर छोड़ के चला जा, तेरे लिए 10 लोगों का खाना हम कहाँ से रोज लाएंगे, बड़ा खाए महाराज, बहुत खाए और सोए, दो ही काम। और जैसे ही घर से निकाला हुआ उस व्यक्ति का, घर से निकल करके एक धाम में पहुंच गया, एक आश्रम के दरवाजे पर बैठा, सोच रहा था कि भगवान तूने मुझे जन्म ही क्यों दिया, न मेरे घर ग्रहेषु ग्रह मेधिना। तूने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है राजन, संसार में लोग अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ में गवा देते हैं। निद्राया ह्रियते नक्तम व्यवयायेन च वावय दिवाचारते हया राजन कुटुंबेन भरणेन वा। कलयुग में व्यक्ति को 100 वर्ष की अवस्था मिली है, उम्र मिली है, लेकिन आजकल तो 70-80 पे ही, 80 पे भी एक आदि पहुंच पावे, नहीं तो 60-70 में टुलटुलाई के लंबो पड़ ले, बोलो राधे। 70-80 साल की अवस्था तक कोई कोई पहुंच पावे, और उस 70-80 साल में, चलो 100 वर्ष मान लीजिए कि हमारी उम्र 100 वर्ष की है, उस 100 वर्ष में से हम लोगों ने 50 वर्ष तो सोने में निकाल दिए, बोलो राधे। कितने वर्ष निकाल दिए सोने में? हाँ जी, पड़ोसी की आवाज पड़ोसी तक पहुंच ना जाए।
कथा तो बाद में सुनेंगे, पहले दृष्टांत सुना दूं, तुम राधे राधे बोलोगे नहीं। भैया एक की शादी नहीं हो रही थी, अब शादी नहीं हो रही थी, बड़ा परेशान शंकर जी पे रोज लोटा, हे भोलेनाथ मेरा विवाह करा दो, देखो कारे पीरिन के ब्याह है गए, लेकिन मैं देखो चमकीलो चांदी जैसो मेरो चेहरा, भोलेनाथ मेरा कोई दांत भी ना देखे, सुबह से शाम तक रोज लोटा चढ़ावे। लेकिन पार्वती जी ने सोचा चलो इसका विवाह करा दो, जैसे तैसे ले दे के एक विवाह हुआ। अब हड़बड़ाहट में विवाह तो हो गया, हड़बड़ाहट में विवाह तो हो गया, लेकिन लड़की से पहले बात नहीं कर पाए। और जैसे ही विवाह होकर के लड़की घर पे गई और जैसे ही तोतली भाषा में बोला स्वामी जी तैते हो, मतलब स्वामी जी कैसे हो, उसने माथे पे हाथ मारा, हे भोलेनाथ ऐसे ऐसा कोई दिन नहीं गया कि मैंने तुम्हारे ऊपर जल का लोटा नहीं डाला और तुमने मुझे मेरी भक्ति का ये सलाह दिया। अब तो बहू से बात ना करे मारा, छह महीने बीत गए, जब बहू से बात ना करे तो बहू बड़ी परेशान। बहू बोली अदी तुम दादा परेशान हो तो दूतरो ब्याह तल्ले हो, क्या कहा, अदी तुम दादा परेशान हो तो दूतरो ब्याह तल्ले। अब वो भी खलीफा फिर दोबारा से जल डालना शुरू कर दिया उसने, और जैसे ही फिर दोबारा से स्नान कराना शुरू कर दिया भोलेनाथ को, भोले बाबा ने बड़ी कृपा की, दूसरा विवाह हो गया, दूसरा विवाह कर लाया, पहले एक नहीं हो रहा था अब दो दो। और जैसे ही दूसरा विवाह करके लाया, बारिश का समय, बहू को बैठा करके निकल रहा था गली से, जैसे ये गली है पानी भर गया था, स्कूटर रपट गया, पत्नी के ऊपर स्कूटर, स्कूटर के ऊपर स्वयं, सोई उसकी बत्तीसों के बीच में आकर के जीव कट गई। अब जैसी कटी तो वो भी भोलेनाथ की कृपा से तोतली हो गई। अब तो टेंशन में रहने लगा, ऑफिस को जाए, शाम को लेट सेट आए, खाना बना मिल जाए तो खा ले, फिर सो जाए, फिर सो जाए। बोले पहले तो एक के लिए कमाना पड़ता था, अब दो दो है। साल बीती, दो साल बीती, दूसरी बहू ने भी कह दिया जी तुम दादा परेशान हो तो तीतरो ब्याह तल्ले, कोई परेशानी ना। वो भी महाराज बड़ा खलीफा, पार्वती और राधा रानी की कृपा से तीसरा विवाह करके लाया। समय बीता, समय बीतने पर उसकी पत्नी बाथरूम में नहा रही थी तो ऑफिस से फोन किया, दूसरी वाली ने फोन उठाया, बोला दीदी फोन आयो उठा लो। और जैसे ही देखा हड़बड़ाहट में का फोन आया है, साबुन पे पाम रखा महाराज, बत्तीसों के बीच में जीव आई और वो भी तोतली। अब जैसे तीनों तोतली हुई, बड़ा परेशान, सुबह से शाम तक कमाने कमाने, बोले पहले तो एक ही थी, अब तो तीन दिन को देखता हूं तो और खून खोलता है। अच्छा शर्म के मारे किसी को बताए नहीं कि मेरी तीनों पत्नी तोतली है, न किसी दोस्त को बुलाए, न किसी सगे संबंधी को बुलाए। अब तो टेंशन में बेचारा सूख गया। और जैसे सूखा, तीसरी ने कहा चौथा विवाह कर लो, बोले देवी तुम्ही तीनों देवियां बहुत है, अब बस की नहीं है। एक दोस्त था उसका, उसने कहा वाह तूने तीन तीन विवाह कर लिए और एक विवाह की भी पार्टी नहीं दी है। अब कैसे कहे कि भैया मैं तो किस मुंह से पार्टी दूं कि मेरी तीनों बहू तोतली है। तू घर जाएगा वो तेरे से बोलेंगी, बात करेंगी, तू उनसे बात करने की कोशिश करेगा, वो तुतलाएंगी, तू चार जगह मेरी बदनामी करेगा। उसने क्या किया, जब दोस्त ज्यादा पीछे पड़ गया तो तीनों पत्नियों से आकर के कहा देखो मैं कल ऑफिस जाऊंगा और ऑफिस जाने पर मेरा, मैं तो चला जाऊंगा ऑफिस, बाद में मेरा मित्र आएगा और उसको जो भी भोजन में चाहिए सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके उसके सामने रख देना, लेकिन शर्त है खबरदार अगर तीनों में से कोई उसके सामने बोली, तीनों में से कोई उसके सामने बोली और जो भूल गई उसको घर से बाहर कर दिया जाएगा। अब तीनों बड़ी शांत सुबह से लग गई, किसी ने कुछ बनाया, पूरी सब्जी कचौड़ी रायता सब कुछ बना महाराज, 10-5 तरह की सब्जी बनी, पनीर की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, मिक्सचर सब्जी और जो जो होती है करेले की भी बनी, बोलो राधे। अब बड़ी सुंदर खीर वगैरह बनाई, दोस्त आ गया, थाल रख दिया, ठंडा पानी गर्म पानी जैसा भी पीना है पी लिए, कभी कोई कचौड़ी लाए कभी पूरी लाए, लेकिन कोई बोले ना। दोस्त ने सोचा कि देखो तो सही है बोल क्यों नहीं रही है,
बस आती है पूरी रख जाती है चली जाती है। अब उनको भी भय है अगर गलती से बोल गई तो देश निकाला हो जाएगा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। जब उस दोस्त ने मित्र ने भोजन कर लिया पेट भर गया और डकार लेने के बाद बोला वैसे तो भैया भाभी सब कुछ अच्छा है लेकिन, अब जैसे लेकिन कहा कान खड़े हो गए क्योंकि लेकिन में कोई ना कोई बात होती छुपी हुआ तो होती है। जैसे लेकिन कहा तो उसने कहा वैसे तो सब कुछ अच्छा है लेकिन ये जो करेले की सब्जी है ये थोड़ी कड़वी रह गई। अब जैसे कहा कि ये जो करेले की सब्जी है कड़वी रह गई, जिसने करेले की सब्जी बनी बनाई थी वो भूल गई कि मुझे बोलना भी है, मुझे नहीं बोलना। उसने आवेश में आकर के सुना कि करेले की सब्जी कड़वी रह गई, उसे रुका नहीं गया और कहा कि मैंने तो धूप तेल में थोंती बिरवी तरवी। दूसरी बोली बोल दई है मानी नहीं बोल दई। तीसरी बोली हम तो तुप पे ठीक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कह दिया हो स्वामी जी ने खबरदार जो तूने कथा में जाकर के राधे राधे बोली या कीर्तन गाया ताली बजाई, ऐसा है? हाँ जी ऐसा ही है, फिर तो कोई बात नहीं। अगर स्वामी जी ने मना कर दिया है कि बोलना नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं मना किया है तो एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे बड़े भाव से और पता चल जाएगा कि किस किस से मना किया है किस किस से नहीं कहा है। बोले राधा रानी सरकार की, अभी अभी देखो वो करंट नहीं जो आना चाहिए। बोले बिहारी जी महाराज की, यही होना चाहिए। दुआ जब दिल से होती है ठाकुर मंजूर करता है। निद्राया ह्रियते नक्तम व्यवयायेन च वावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंबेन भरणेन वा। राजन व्यक्ति की 100 वर्ष की उम्र है लेकिन 50 वर्ष उसने सोने में निकाल दिया और 50 वर्ष वो जागता रहा लेकिन 50 वर्ष में से भी 25 साल उसने पढ़ने में निकाल दिया। मैं बच्चा छोटा सा और जितना वजन नहीं होता है उससे ज्यादा उसके बैग में वजन होता है, टेंशन में बेचारा पड़ता है फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो 50 वर्ष सोने में और 25 वर्ष पढ़ाई में निकाल दिए, कितने रह गए? फिर 25 वर्ष महाराज गजे की तरह लदता है कमाने के लिए, फिर दिन रात एक कर देता है, नए नए प्लान बनाता है, नए नए प्रलोभन समाज को देता है कि ऐसा नहीं ऐसा करो। और ठाकुर जी के सामने भी जाता है तो यही कहता है कि प्रभु अब तो मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो, मेरा घर बन जाए। ठाकुर जी ने घर भी दे दिया। बोले ऑफिस जाने के लिए गाड़ी भी चाहिए, गाड़ी भी देती। बोले गाड़ी के साथ साथ एक आध नौकर और मिल जाए क्योंकि श्रीदेवी जी परेशान हो जाती है, तो ठाकुर जी ने नौकर भी दे दिए। बोला नौकर के साथ साथ प्रभु कुछ बैंक बैलेंस भी आ जाए तो पता नहीं कब मोदी जी नोटबंदी कर दें और कब कोरोना आ जाए, इसलिए ठाकुर जी ने नौकर भी दे दिया, बैंक बैलेंस भी दे दिया। फिर कहा कि अब ठाकुर जी ऐसा मेरा नाम कर दे, जब ज्यादा पैसा हो जाता है तो लोग कहते हैं अब राजनीति का भी आनंद ले लें, कुछ पद प्रतिष्ठा मिल जाए। ये चाह है ना, चाह कभी खत्म नहीं होती। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही। चाह पैदा हो गई कि अब तो ये आ जाए। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल ले जाती रही। फिर तो पैसा आ गया, चाह बढ़ गई, बोले गाड़ी आ गई तो हम तो होटलों में जाकर के पार्टी करेंगे। चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाह जार लगी जी जरा हो गया, चाह हर से लगी जी हरा हो गया। अब आपकी मर्जी है कि आप अपनी चाह को भगवान में जोड़ना चाहते हैं कि इस दुनिया में जोड़ना चाहते हैं।
दुनिया में जोड़ दोगे तो केवल पतन का रास्ता, जहां आप का पतन होना है। और अगर आपने वही चाह ठाकुर जी से जोड़ दी तो मीराबाई की तरह, रहीम दास जी की तरह, कबीर दास जी की तरह, ध्रुव जी महाराज की तरह तुम्हारा भी नाम कथाओं में गाया जाएगा। हम 25 वर्ष ऐसे कमाते महाराज, बेदुल ना भाई को देखते हैं ना माता पिता को देखते हैं। और कबीर दास जी ने सुंदर इस भाव का, श्लोक का बड़ा भाव लिखा है कि रैन गवाई सोए के दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था और कौड़ी बदले जा। रात्रि में सो करके भोगों में लिप्त रह करके और दिन में खाने पीने के लिए हम कमाते रहे। परीक्षित तेरे पास 7 दिन है अभी, तू एक काम कर, जिता सना जित स्वासो जिता संगो जितेंद्रिय, तुझे कथा सुननी है ना, बोले हाँ, तो एक काम कर पहले आसन को जीत। सुखदेव जी ने निवेदन किया परीक्षित से कि परीक्षित पहले आसन को, पहले भगवान के सामने सुखासन लगा करके बैठना सीख। एक संत कहते थे बड़ी मस्ती में कि भैया कहीं जाओ तो पहले आसन, फिर बासन, उसके बाद में राशन, और जब जमाओ अपनो शासन। बोलो राधे। तो पहले आसन जितासन हो, पहले आसन को जीतो। कथा में बैठे 3 घंटे, कभी पंडित जी की तरफ पैर कर दिए, कभी पीछे की तरफ कर दिए, कभी लेटने किया बस। कभी कभी तो ऐसा झूठा आता है कि महाराज तकिया मिल जाए, वसंत मिल जाए और एक चादर मिल जाए, बस यहीं पड़ जाए, बड़ी प्यारी नींद आती है। और एक बात और है, कथा में ही आकर के वार्तालाप निकल होता है, जो बातें बाहर करनी चाहिए वो बातें उखड़ उखड़ करके कथा में ही आती हैं। कहीं कथा के बाद कोई बात रह गई तो गड़बड़ हो जाएगी। जिता सनो जिता स्वासो, फिर अपना रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वास पर नियंत्रण करे। जो नियम बताए पहले सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनने के लिए, जिता सनो जिता स्वासो जिता संगो जितेंद्रिय, आसन जीत लिया, श्वास पर नियंत्रण कर लिया, फिर है तीसरा जितह संगो। संग किसका करे? बोले शुद्ध सात्विक संतों का संग करे। अब संत केवल पीले कपड़े को वाले को संत नहीं कहा जाता है कि सफेद कपड़ा पहन लिया वो संत बन गया, पीला पहन लिया वो काला पहन लिया, नहीं, संत तो हृदय से होता है। पीले कपड़े पहन करके संत नहीं कहा जाता, भले ही हम भौतिकवादी दृष्टियों से देखें। और आजकल तो संत का महाराज वो तो मेहनत है पूरे, गाड़ी है, घोड़ा है, 4 आगे 4 पीछे, बॉडीगार्ड अलग है। और संत कौन होते हैं? जो छुपे रहते हैं, जो केवल चाहते नहीं है कि हम दर्शन दुनिया में देने के लिए जाएं, बस वो एकांत में जो मस्त रहते हैं उसको संत कहते हैं। ऐसे संतों का संग कर परीक्षित। जितासना जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीते। अनुष्ठान में किसी को गाली गलौच ना करे, क्रोध ना करे, तपस्या साधना के समय किसी से अपशब्द ना बोले, सभी से प्रेम से बात करे, ये कथा सुनने के नियम है परीक्षित। जितासना जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। राजन तेरे पास में तो 7 दिन है, खटवांग के पास में तो मात्र 48 मिनट थी जिसने भगवान को पा लिया, जिसने भगवान को पा लिया। सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करते हैं कि पहले मैं ठाकुर जी को प्रणाम कर लूं, उसके बाद तुझे कथा सुनाऊंगा। नमः परस्मयी भूयाय भूयसे सदुद्भवान स्तोन निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति त्रतयाय देहिनाम मंत्र भवाया अनुपलक्ष्य वर्तमने। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते कहते प्रभु मेरी वाणी पर आकर के आप विराजमान हो जाओ। क्यों? क्योंकि मेरी वाणी में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं आपके स्वरूप का वर्णन कर सकूं, आपके गुणों का मैं वर्णन कर सकूं। आप अगर आकर के विराजमान हो जाओगे तो मैं इस परीक्षित का उद्धार कर सकता हूँ। मैं आपके, आप जब मेरी वाणी पर बैठ जाओगे। सुंदर सुखदेव भगवान मंगलाचरण करते हैं।
और मंगलाचरण करने के बाद में भागवत जी की उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं। परीक्षित, इस कथा को नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया और व्यास जी ने मेरे पिताजी ने मुझे इस कथा का दान दिया और वही कथा मैं तेरे को सुना रहा हूं। वही कथा चार श्लोक चतुश्लोकी ब्रह्मा जी को मिली। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत् परम् पश्यादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ये पहला श्लोक नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। दूसरे श्लोक में माया का वर्णन, तीर्थ यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो तथा तमे। ये दूसरा श्लोक माया के बारे में बताया कि जो ये दिख रहा है ना ब्रह्मा, वो सब मेरी कृपा से दिख रहा है। और तीसरे श्लोक में कहा कि यथा महान्ति भूतानि भूते सुच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सूनतेष्वहम्। तत्व के बारे में बताया, फिर एक जिज्ञासा के बारे में, एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। सुंदर चार श्लोकों में ये सुंदर उपदेश भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। इसके बाद में परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु ये बताओ कि बाकी तो सब ठीक है, ये सृष्टि इतनी सुंदर क्यों है, ये सृष्टि इतनी सुंदर कैसे दिखती है, इसके बारे में कुछ मुझे बताओ। तब सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, जब विदुर जी और मैत्री जी का संवाद हो रहा था, तब मैत्री जी से विदुर जी ने पूछा कि प्रभु भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, वही वही जो मैंने उनसे भाव सुना था वही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। एक बार नारायण के मन में भाव आया कि मैं एक से अधिक हो जाऊं तो नाभि कवल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने चारों तरफ देखा, केवल जल ही जल, और अंत नीचे की तरफ झुक करके देखा तो एक कवल के पुष्प से मैं प्रकट हुआ। चारों तरफ देखने के कारण ब्रह्मा चतुर्मुखी हो गए। हजारों वर्ष तक उस कमल की तंतु में नीचे जाने का प्रयास कर रहे थे कि मैं कहां से प्रकट हुआ हूं, कुछ तो मुझे मूल मिले। हजारों वर्ष तक उस तंतु में जाते रहे, जब थक गए तो बोले अब मेरे बस की बात नहीं, अब जाकर के फिर ऊपर बैठ गए। अच्छा, एक विशेष और बात आपसे निवेदन करूं कि हर ग्रंथ में, हर पुराण में उत्पत्ति का अलग अलग वर्णन है। भागवत जी में अलग है, नारायण पुराण में अलग है, बराह पुराण में अलग है, शिव पुराण में अलग है। तो जैसे ही थक गए तभी आकाश वाणी हुई कि ब्रह्मा तुम तप करो, और ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने के बाद सुंदर चतुश्लोकी भागवत मिली, और भागवत मिलने के बाद में कहा कि अब तप करने के बाद में तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने चार, सबसे पहले चार पुत्रों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों को। ये सदा 5 वर्ष की उम्र में ही रहते हैं, और जैसे ही प्रकट हुए इनसे कहा कि भैया तुम सृष्टि में मेरा साथ दो। इन्होंने कहा पिताश्री हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे, हमें तो भगवान का भजन करना है। मना किया, ब्रह्मा जी को रोष आ गया, और जैसे ही रोष आया प्रकृति के मध्य से एक नील लोहित वर्ण निकला, और जैसे ही नील लोहित एक वर्ण निकला देखते देखते वो विशाल काय स्वरूप में परिणित हो गया। और जैसे परिणित हुआ, नामानि कुरु मे धात स्थानानि च जगत गुरु, मेरा नाम रखिए, मेरा नाम आप रखिए। तो कहा कि जाओ तुम्हारा नाम रुद्र होगा, तुम रोते हुए प्रकट हुए इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। और वही आगे जाकर के कौन हुए, बोले शंकर भगवान की जय। इसके बाद में शंकर जी से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। अब शंकर जी पता क्या करते हैं, बोले मैं मना तो नहीं कर सकता हूं, अगर मैंने मना कर दिया तो कहीं दूसरा शंकर फिर दोबारा से पैदा ना हो जाए। इसलिए क्या करते हैं कि वो ऐसी सृष्टि की रचना करते हैं जो ब्रह्मा की सृष्टि को खा जाती है।
जीव जानवरों का, बड़े बड़े सिंह स्यारों की, कीट पतंगों का, जो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई सृष्टि है उसको भोजन के रूप में पा जाते हैं। अब ब्रह्मा जी टेंशन में आ गए, भैया मैं यहाँ निर्माण करता हूँ, तुम पीछे से आकर के सभा कर जाते हो, लगता है तुम संहार के देवता हो, इसलिए काम करो, जब तुम्हारा काम होगा तुम्हें बुला लेंगे, जब तक भगवान का भजन करो। भोलेनाथ ने सोचा कि मैं तो चाहता भी यही था कि मैं भजन करूं, और भोलेनाथ जाकर के कैलाश में सुंदर राम जी का भजन करो। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि स्वतः ही सृष्टि अपने आप प्रकट हो। तो दाएं अंग से मनु जी और बाम अंग से शत्रुपा जी को प्रकट किया और इनसे कहा कि अब आप मैथुन सृष्टि के द्वारा सृष्टि का विस्तार करो। मनु जी ने कहा कि भगवान हम करें तो सही, लेकिन पृथ्वी को ले जाकर के हिरण्याक्ष ने छुपा दिया, और जैसे ही कहा कि पृथ्वी को छुपा दिया है तो बोले क्या करना चाहिए, बोले करो क्या, भगवान से प्रार्थना करो। और जैसे ही भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने 12 रूप धारण किया और 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध करके उस पृथ्वी को ला करके दोबारा से स्थापित कर दिया। जैसे स्थापित किया, ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि भैया अब तो जाओ और जाकर के तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो उन्हीं के दाम्पत्य जीवन से, मनु जी महाराज के दाम्पत्य जीवन से 3 कन्याएं और 2 पुत्र प्रकट हुए। 3 कन्याएं आकुति, देहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनुजी महाराज के ही नाम के कारण हम सभी मानव कहलाए। बड़ी सुंदर सृष्टि उन्होंने आगे बढ़ाई। तब कहा कि प्रभु ये बताओ, ये देवभूति जी कौन है? 3 कन्या आप बता रहे हो, आकुति, देवभूति और प्रसूति, मुझे तो देवभूति का सबसे पहले चरित्र सुनना है, ये कौन है? बोले ये ब्रह्मा जी के जो गोद से प्रकट हुए हैं कर्दम जी महाराज, छाया से प्रकट हुए हैं, उनकी पत्नी है देवहूति। बोले अच्छा प्रभु, इनके दाम्पत्य जीवन के बारे में भी कुछ बताओ। बोले बिल्कुल बताएंगे। और जैसे ही कहा कि दाम्पत्य जीवन के बारे में बताओ, तो कर्दम जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं है, कभी कुछ नहीं मांगते, वो सोचते हैं कि बस भगवान के हमें, हम भगवान की सेवा करते रहे, क्योंकि सभी सृष्टि बढ़ाएंगे तो क्या हमने भी सृष्टि बढ़ाने का ठेका ले रखा है। लेकिन कर्दम जी के मन में ये भावना नहीं है। कर्दम जी कहते हैं प्रभु हम तो केवल आपका भजन करना चाहते हैं। लेकिन एक समय के लिए कर्दम जी के मन में भाव आ गया कि मेरा भी विवाह हो जाए और मैं विवाह कर लूं, मैं भी विवाह कर लूं। और जैसे मन में भाव आया, लेकिन कर्दम जी कहते हैं प्रभु ये भाव बहुत गलत आ गया, मेरे मन में इच्छा नहीं थी, भाव आया भगवान प्रकट हो गए। और जैसे भगवान प्रकट हुए बोले ठीक है, तुम्हारे मन में भाव आया, ये इच्छा हम तुम्हारी जरूर पूरी करेंगे। लेकिन कर्दम जी कहते हैं प्रभु क्या करूं, जब आपके दर्शन मुझे हो गए तो अब मेरा मन नहीं लगता है, मेरा मन लगता नहीं है आपके बिना, अब मेरे दर्शन से आपके मेरे मन की सभी इच्छाएं खत्म हो गई हैं। क्यों? कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में, कान्हा दिल मेरा लगता लगता, हो दिल लगता, दिल लगता।
लगता नहीं है जमाने में काना, दिल मेरा लगता सुहाते हैं ढंग दुनिया के अब न सुहाते हैं, दिल लगता नहीं है जमाने में, दिल लगता नहीं जमाने में काला, दिल मेरा लगता सुनाऊं मैं क्या दिखाऊं मैं, क्या सुझाऊं मैं क्या दिखाऊं मैं, क्या सुनाऊं 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 मैं क्या दिखाऊं मैं, दास्तां अपनी क्या बताऊं मैं, क्या अपनी क्या बताऊं मैं, दास्तां अपनी क्या बताऊं मैं, दास्तां अपनी क्या बताऊं मैं, नहीं अपना नहीं अपना नहीं अपना नहीं अपना नहीं अपना है कोई जमाने में, नहीं अपना है कोई जमाने में काना, दिल मेरा लगता नहीं जमाने में काना, दिल मेरा नहीं लगता नहीं जमाने में काना, दिल मेरा लगता नहीं जमाने में, दिल मेरा
जी लगता है अपने घराने में। हमारा तो महाराज घर में ही आंगन घर में ही मन लगे, तुम्हारी कथा में मन ना लग रहा, बोलो राधे। अच्छा एक बात बताओ, कथा समझ में आ रही है कि ऊपर से ही जा रही है? समझ में आ रही है? अच्छा किस किस के समझ में आ रही है? ये क्या, ये कोई पंख थोड़ी है, बताने तो ऐसे बताओगे। हाँ समझ में आ रही है, बस इतनी लोगों के समझ में आ रही है, अम्मा के समझ में जरूर आ रही है हमारी। कान्हा गाइए, दिल मेरा लगता नहीं जमाने में, कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने। कुछ आया है उसको भी सुन लो। श्री राधे राधे बोलिए बाकी बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे। आइए कुछ दानी दाताओं ने अपनी नेक कमाई में से दान दिया है। कहते हैं भैया जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, जिस पर कृपा प्रभु की होती है, जिस पर कृपा कन्हैया की होती है, वही यज्ञ अनुष्ठानों में जाकर के दान करते हैं, सहयोग करते हैं। तो आइए कुछ दानी दाताओं का नाम है जिन्होंने अपनी नेक कमाई में से दान दिया है। श्रीमान बबलू गौतम जी सावरिया रेडीमेड अर्निया निवासी, जो अपनी नेक कमाई में से 5100 रुपए का सहयोग दे रहे हैं। भगवान इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, भगवान इनको 1000 गुना करके फल प्रदान करे। हमारे श्रीमान बबलू गौतम जी के लिए एक बार जोरदार से तालियों की गड़गड़ाहट। श्रीमान गोविंद के नाना जी श्रीमान रतिराम शर्मा जी भेरे वाले, जो अपनी नेक कमाई में से 511 रुपए का सहयोग दे रहे हैं। भगवान इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, भगवान इनको 1000 गुना फल प्रदान करे। हमारे श्रीमान गोविंद भैया जी के नाना जी के लिए, श्रीमान रतिराम शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार सी तालियों की गड़गड़ाहट, जो कि आपके जंक्शन पर भी बाहर से चल करके दान आ रहा है। तो आइए श्रीमान ठाकुर साहब जी बैंक वाले जंक्शन खुर्जा, जिन्होंने अपनी नेक कमाई में से 501 रुपए का सहयोग दे रहे हैं। भगवान इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, भगवान इनको 1000 गुना फल प्रदान करें। इनके लिए भी एक बार जोरदार सी तालियों की गड़गड़ाहट। श्रीमती भगवानी देवी जी माता जी, जो अपनी नेक कमाई में से 501 रुपए का सहयोग फिर से दे रही हैं, 500 रुपए कल दिए थे और 500 रुपए फिर से आज दे रही हैं हमारी माता जी। श्रीमती भगवानी देवी जी हमारी माता जी के लिए भी एक बार जोरदार से तालियों की गड़गड़ाहट। भगवान इनको धन धान्य की वृद्धि करे, इनके यहाँ पर सुख शांति बनाए रखे, और आप लोग ऐसे ही यज्ञ अनुष्ठानों में दान करते रहें। और सभी से मैं यही निवेदन करूंगा कि सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में सहयोग करें, दान करें, और दान करके पुण्य के भागीदार बने, क्योंकि यहाँ पर दान करने से कभी धन घटता नहीं है, धन हमेशा बढ़ता है। इसलिए सभी थोड़ा थोड़ा करके कथा में दान करें और सहयोग करें। और यहाँ पर हमारे आकू भैया जी पीछे बैठे हुए हैं, रसीद लेकर के उनको अपना नाम लिखाएं और सहयोग करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे भोले बाबा के हरि लाल की, भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए आप लोग शांति व्यवस्था बना करके कथा श्रवण करेंगे। परम पूज्य व्यास जी कान्हा, दिल मेरा लगता नहीं जमाने में, जग न भाता है न सुहाता है, जग न
भाता है न सुहाता है। करदम जी महाराज भगवान से कहते हैं, प्रभु अब आपका दर्शन हो गया, अब कुछ अच्छा नहीं लगता, अब मांगने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि सच्चा नाता न कोई भाता है, सच्चा नाता न कोई भाता है। ये जो हम कहते हैं कि हमारे तुम्हारे नाते नहीं प्रभु, सच्चा नाता तो आपसे ही है, नाता एक राम जी से, केवल नाता तो एक राम जी से ही है। दिल तो लगता है प्रभु आपको रिझाने में, दिल तो लगता है तुमको रिझाने में, काना दिल मेरा लगी तो तुप्पी दी के महाराज काना दिल मेरा लगता नहीं जवानी। करदम जी कहते हैं प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब कोई इच्छा नहीं है। भगवान बोले नहीं, अब तो इच्छा जागृत हो गई है, तो हमारा कर्तव्य है पूरा करने का। और सुनो, परसों को जो मनुजी महाराज हैं अपनी बेटी को लेकर के आएंगे, मना मत कर देना, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और जैसे ही करदम जी से कहा कि बेइज्जती हो जाएगी, करदम जी ने कहा नहीं प्रभु आपकी बेइज्जती नहीं होने देंगे। अब सोचिए भगवान कौन, एक ऐसे महान संत हैं केवल एक अकेले ही, जिनके स्वयं भगवान बिचौलिया बने। कौन बने? आम व्यक्ति का जब कोई विवाह होता है तो कोई पड़ोसी कराता है, कोई रिश्तेदार कराता है, लेकिन करदम जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनके बिचौलिया भगवान बने। और कह दिया है मना मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले ठीक, करदम जी महाराज फिर तपस्या में। जैसे ही एक दिन छोड़ कर बीता एक दिन, दूसरा दिन आया, करदम जी महाराज भगवान का भजन करके उठे ही थे कि देखा एक राजा अपनी पत्नी के साथ एक कन्या को भी लेकर के आ रहा है।